बस 2 मिनट के बाद हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे हाँ हाँ जरूर जरूर जी। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। कल काफी मौसम यहाँ का खराब था, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का खराब था और न केवल कोडरमा बल्कि आसपास के तमाम जिलों का भी खराब था, इसलिए कल थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारा हुआ आवाज को लेकर के। आज लेकिन मौसम थोड़ा साफ है सुबह से और काफी अब बरसात के मौसम में तो काफी चारों तरफ बादल तो लगे हुए हैं लेकिन फिर भी मौसम साफ है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक 50 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं टोटल। मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये चाहता हूं कि जो लोग अपना रिस्पांस नहीं देते हैं, मैं देख रहा हूं कि 20-25 लोग ही अपना रिस्पांस दे पा रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा जो अभी तक आप अपना रिस्पांस नहीं दिए हैं, क्वेश्चन का आंसर या इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो जो है क्वेश्चन का आंसर यदि पूछा जाता है या प्रेजेंटेशन लिया जाता है तो काइंडली वो भी जो है आगे बढ़ करके इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करें, क्योंकि वर्कशॉप में सबको पार्टिसिपेट करना है, न केवल भाषण सुनने के लिए, न केवल दूसरों को सुनने के लिए, बल्कि आपको भी सब सुने इसकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें सभी पार्टिसिपेंट्स, जो लोग का नाम लिया जाता है, मेरा और सौरभ सर का यही प्रयास रहता है कि जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हैं, नहीं प्रेजेंटेशन दे पाए हैं या नहीं रिस्पांस दे पाए हैं, वो लोग भी रिस्पांस दें, और जब उनका नाम लिया जाता है तो वो एकदम जो है कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वर्कशॉप में कार्यशाला में कार्य किया जाता है, कार्य करना किसको है, वो पार्टिसिपेंट्स को ही करना है, भले ही माध्यम हमारे रिसोर्स पर्सन हो लेकिन कार्य करना पड़ता है इसमें। ये न तो सेमिनार है, न वेबिनार है, न सम्मेलन है, न कॉन्फ्रेंस है, ये कार्यशाला है, इसमें कार्य की प्रधानता है और कार्य पार्टिसिपेंट्स को ही करना है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। धीरे धीरे ये कार्यशाला अपने आगे बढ़ रहा है, आज तीसरा दिवस है इस कार्यशाला का, और मैं चाहूंगा कि आज वैसे पार्टिसिपेंट्स आगे बढ़ करके अपनी भूमिका अदा करें, अपनी भूमिका निभाएं जो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 दिनों में कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो काफी अधिक एक्टिव रहे हैं, पूरे समय से जुड़े रहे, जैसे ही उनको पूछा गया उन्होंने बेबाकी से अपना आंसर दिया, बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। जो लोग नहीं भाग ले रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, सब लोग पार्टिसिपेशन दें अपना, ये होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सभी अपना अपना फीडबैक फॉर्म, अपना अपना क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट का क्वेश्चन पर डे भरें, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग 10 में 10 ला रहे हैं, कुछ लोग 2 भी लाए हैं, कुछ लोग 4 भी लाए हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर सोच समझ करके दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेशंस से रिलेटेड ही होते हैं। पर डे मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूं, फीडबैक भेज रहा हूं, और सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन सभी सेशन से रिलेटेड है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 80% अटेंडेंस देना है और 50% असाइनमेंट में मार्क्स लाना है। यदि आप इस 2 पैरामीटर में नहीं आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा और ना ही इंटरनल मार्क्स में आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे।
इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप फीडबैक भरें या असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर दें तो सोच समझ कर दें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग तो 10 में 10 ला रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, 10 में 10 ला रहे हैं। अभी तक 56 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, बस 2-3 और जुड़ जाएं, 60 प्लस हो जाए, मैं कार्यक्रम स्टार्ट कर देता हूं। जैसा कि मैंने बताया सभी लोगों को कि आज जो पार्टिसिपेंट्स, मैं उनको ज्यादा मौका देने वाला हूं, जो भाग नहीं लिए हैं प्रतिक्रिया के तौर पर, मैं केवल जुड़े हुए हैं ये केवल दिखाने के लिए कि सर हम पूरे 2 घंटा जुड़े रहे, हमने अटेंडेंस अपना दे दिया, तो ये नहीं चलेगा। आपको अपना रिस्पांस देना ही पड़ेगा। आप अपना रिस्पांस देंगे तभी ये माना जाएगा कि हाँ आपने इस वर्कशॉप में अपनी कुछ सहभागिता दर्ज की, भले ही वो 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो। ये पार्टिसिपेशन जो है बहुत जरूरी है, वर्कशाला सबके लिए है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि सर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ही नाम बार बार लेते हैं, वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, हाथ रेज करते हैं और तुरंत अपना रिस्पांस देना चाहते हैं। आप लोग भी अपना हाथ रेज करें, अपना प्रतिक्रिया दें, अपना अपनी सहभागिता दिखाएंगे तो मैं उनका भी नाम लूंगा। कुछ लोग को ऐसा भी लगता है कि सर हम लोग को मौका नहीं मिल पा रहा, ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, आप हाथ रेज कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी जूम ऐप में, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन देना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और जो लोग भाग ले रहे हैं, जो पर डे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, उनके लिए तो बस यही कहा जा सकता है कि वो काफी अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, वो सीख रहे हैं। जो प्रतिक्रिया देंगे, रिस्पांस देंगे और हमारे रिसोर्स पर्सन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो सीखेंगे, इसमें दो राय नहीं है, दो मत नहीं। 60 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, अब मैं कार्यक्रम को औपचारिक तरीके से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, पर डे हम लोग अपने सरस्वती माँ की आराधना करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो आज सरस्वती वंदना मैं गा रहा हूँ। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें और उनका ध्यान करते हुए सभी लोग उनका आवाहन कर लें, उनका चरण वंदन स्पर्श कर लें, उसके पश्चात ये कार्यक्रम आज कार्यशाला का तृतीय दिवस औपचारिक रूप से स्टार्ट हो जाएगा। सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और माँ सरस्वती, माँ शारदे माँ का आराधना करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने,
हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ओम शांति 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 ही। मैं आज तृतीय दिवस के इस कार्यशाला में मैं अपने रिसोर्स पर्सन का एक बार पुनः शुभ स्वागतम, अभ्यागतम, बहुजन हितम, तब स्वागतम करता हूं और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस पूरे कार्यशाला के दौरान हमारे कॉलेज के निदेशक महोदय श्री अविनाश सेठ सर भी कंप्लीट पूरे सेशन के दौरान जुड़े रहते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रिंसिपल मैडम का भी स्वागत करता हूँ, वो भी हमेशा जुड़ी रहती हैं। मैं तमाम आज इस आभासी दुनिया के माध्यम से जितने भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और स्थिति दिवस की कार्यशाला की शुरुआत करने के लिए मैं इस मंच को अपने रिसोर्स पर्सन को सौंप रहा हूं, आदरणीय सुमित सर, ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सो जैसे मैंने कल बोला था कि पहले दिन जो मैंने बोला था, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो कैसा लग रहा है, थर्ड दिन हम शुरू करने जा रहा है, जो जो गुड मॉर्निंग बोले हो, कैसा लग रहा है थोड़ा बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो झा सर, आप कुछ दो पार्टिसिपेंट को चूज कीजिए जो पिछले दिन का कार्यशाला का, जैसे हमने ओके 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 सर। कोई अपना हाथ रेज करना चाहते हैं? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन कल से आज में उसको कोरिलेट करते हैं, उस फीडबैक ले लेते हैं, रिकैप हो जाता है, तो थोड़ा सा सुविधा हो जाती है कि हमने कल कहाँ समाप्ति की, कल क्या क्या चर्चाएं हुई और हम आज कहाँ से शुरुआत करें, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। कोई ऐसे हैं जो अपना हाथ रेज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये पूछ रहा हूँ, कोई भी ऐसे हैं जो अपना हाथ रेज करना चाहते हैं, कर दें। हाँ, प्रिया, प्रिया दादपुरी ने हाथ रेज किया है। प्रिया आप बताएं कल क्या क्या हुआ, आप उसके बारे में बताएं। प्रिया आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। कल के बारे में जो आप लोग बताएं, वो अपने जीवन में क्या क्या जो लक्ष्य है, इसलिए इसके बारे में बताया थे। और अपने घर में क्या क्या काम करते हैं और क्या जरूरी है, यही सब के बारे में बताया थे। समय समय के लिए भी बताया थे कुछ। ओके,
कृति कुमारी आप बताएं, कृति आपने हाँ गुड मॉर्निंग सर, कृति कुमारी गुड मॉर्निंग बताइए सर। कल तो आपने मोटिवेशन के बारे में डिस्कस किया था और फिर हम लोग कि हमारे क्या गोल है लाइफ में उसके बारे में आपने बताया था और फिर हम लोग अपने गोल को प्राप्त करने के लिए फिर हम लोग किस तरह से उसको प्लान करते हैं और अगर हम लोग हमारे जो गोल है उसे प्राप्त करने में क्या क्या बैरियर आता है, हम लोग उस बैरियर से कैसे ओवरकम होते हैं, हम लोग कैसे अपने बैरियर्स को दूर करके गोल को प्राप्त कर सकते हैं, फिर गोल को प्लान करने के लिए आपने कुछ स्पेशल टेक्निक्स बताए थे जिसमें आपने बताया था कि स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, गोल जो है वो एक्शनेबल होना चाहिए, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अपने निर्धारित समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। फिर किसी गोल को प्राप्त करने के लिए आपने बताया था कि अगर कोई गोल बड़ा है तो हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स रखें, उसके बाद हम लोग उसको अचीव करें तो फिर हम लोग अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। फिर गोल को हम लोग को अपने इवेल्युएट भी करना चाहिए और फिर अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, हम लोग अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पा रहे तो उसको फिर से हमें रीप्लान करना चाहिए कि कहाँ हमें क्या गलती रह गई है, उस अकॉर्डिंग हम लोग अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं और गोल को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, यही सब डिस्कस हुआ था सर कल। ओके ईरा ने भी हाथ रेज किया था, ईरा आप भी बता दें। ईरा यस सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो गुड मॉर्निंग, बोलिए ईरा बोलिए। यस सर, कल जो हम लोगों ने किया था सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड अ रिकैप्चुरेशन ऑफ द प्रीवियस डेज वर्क, जो परसों हुआ था उसके बारे में कुछ रिकैप्चुरेशन हुआ था एंड देन सर हैड आस्क्ड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग मोटिवेशन, व्हाट आर आवर गोल्स एंड व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल्स इन आवर लाइफ, एंड उसके बारे में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने रिस्पॉन्सेज भी दिए थे सर। And then sir had told something about smarter goal settings, that how can we set goals and how should we break the goals into smaller parts so that we should achieve the goal in real time, and that's all for sir. Okay sir, okay. Aur koi batayega, aur koi hai kya? अभी से वो सर कोई हाथ रेज नहीं किए हैं। प्राची, प्राची कुमारी, हाँ प्राची आप बता दें। प्राची यस सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। कल हम लोग थोड़ा मोटिवेशंस के बारे में जाने थे, जैसे व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ, में हमारा गोल क्या है लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हैं और उस गोल को पाने के लिए हम लोगों ने क्या प्लान किया, कैसे उस गोल को हम लोग पा सकते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस किया था सर। और भी बहुत चीज जैसे कैसे मतलब उस गोल को हम लोग अचीव करें अपने लाइफ में, एक टारगेट लेके चले उसको अचीव करने के लिए सर, यही सर। ओके सर, आगे बढ़ाया जाए। हाँ ठीक है, सो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। तो बेसिकली कल हमने कुछ डिस्कशन किए थे, जो आप लोग के पिछले पहले दिन का जो परसों का जो सवाल था उसी का कुछ जवाब हम ढूंढ रहे थे कि आपका मोटिवेशन कैसे हो, कैसे बरकरार रखे, मोटिवेशन कैसे लाए अपने काम में, फिर वो मोटिवेशन जो है उसको कैसे काम में इस्तेमाल किया जाए। तो काम को काम में इस्तेमाल करने के लिए तो एक गोल चाहिए, तो वो गोल सेटिंग हमने दिखाया, डिस्कस किए। अब उस गोल सेटिंग से आगे हम बढ़ेंगे कि गोल जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, गोल को रीच करने के लिए हमको तो टाइम लगेगा, तो टाइम हम कैसे मैनेज करें, जो आपके बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का आपका एक प्रॉब्लम है अपने लाइफ में कि टाइम को कैसे मैनेज करें। ओके सो वील स्टार्ट विद दैट। नीरज सर आप थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ाइए। नीरज सर ये हो गया, और आगे, अच्छा और आगे, हाँ थैंक यू
तो ये देखिए कि पिछले दिन हम एक्सरसाइज किए थे कि आप सारे दिन क्या क्या काम करते हैं, होल डे आप जो काम करते हैं क्या क्या चीज, क्या क्या काम आप करते हैं, और उसमें कौन सा काम है जो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ना करने से नहीं चलेगा। और कुछ कुछ पार्टिसिपेंट से बातचीत करते करते हमने देखा, आप लोग ने भी देखा कि कुछ काम ऐसे भी करते हैं हम जो ना करने से भी चलेगा लेकिन हम कर लेते हैं, और इसी से क्या होता है, हमारा पढ़ाई का वक्त कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, और हमको लगता है कि हमको तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम को कैसे मैनेज करें। लेकिन हालात ये है कि हम बहुत सारे काम है जो ना करने से भी चलेगा या फिर किसी दूसरों को हम दे सकते हैं, जो बहुत पार्टिसिपेंट से बोला कि हाँ हम सोच सकते हैं कि ये काम अगर थोड़ी घर थोड़ा थोड़ा घर का काम इस दूसरों के दिया जाए तो फिर चल सकता है। तो ये देखिए आज हम टाइम मैनेजमेंट से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट स्लाइड पार्टिसिपेंट सब देखिए, फर्स्ट जो है कि टाइम मैनेजमेंट में यू हैव टू प्रायोरिटाइज द योर एक्टिविटीज। ध्यान से देखिए, नेचुरली द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर टू डू लिस्ट टॉक्स अबाउट। जो जो काम आपको करना है यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये काम आपको करना है। ऐसा नहीं है कि सब काम आपको करना है, ऐसा नहीं है कि जो एक पार्टिसिपेंट ने बोला है कि हेलो सुनाई दे रहा है झा सर? जी जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में जो भी कमेंट्स आता है फेसबुक में सबको हमको आंसर देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर का सब काम हमको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ लिस्ट कि हम क्या क्या काम हमको करना है। देयर इज नो वे यू कैन अचीव एवरीथिंग इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हेंस द नीड फॉर प्रायोरिटाइजेशन। देखिए बात यह है कि हम सब के लिए टोटल टाइम है 24 घंटा, उससे ज्यादा भी नहीं है, उससे कम भी नहीं है। तो इतना बहुत सारे काम हमको रहता है, तो हम तो एक साथ सब काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। अभी मान लीजिए कि आप वर्कशॉप के लिए, कार्यशाला के लिए आप एक जगह पे बैठे हो, ऐसा नहीं है कि आप अभी घर का काम, बाहर का काम भी आप करेंगे या घर का दूसरा काम एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि दिन में ये 2 घंटा 6 दिन के लिए हमको यहाँ पर बैठना पड़ेगा, दिस इज माई टॉप प्रायोरिटी। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रायोरिटाइजेशन। एक है कि डेडलाइन के ऊपर बेस्ड है। पिछले दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ पार्टिसिपेंट्स का यह है कि वो नेट एग्जाम देगा, सी नेट एग्जाम देगा, वो अभी बाद में है, लेकिन ये बीएड का एग्जाम बिल्कुल हमारे सर पर है। सो डेडलाइन कौन से काम का डेडलाइन ज्यादा नजदीक है, उसी हिसाब से हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यू वुड लुक एट व्हाट द ओवरऑल डेडलाइंस आर, हाउ योर वर्क इज कनेक्टेड टू अदर्स, दूसरों के जो काम है उनके साथ कैसे जुड़े हैं, एंड इंश्योर दैट द डिपेंडेंसीज आर एडिक्वेटली आइडेंटिफाइड। मतलब कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्जाम बीएड एग्जाम सामने है, आप पढ़ाई करने बैठे हो, लेकिन घर में एक अचानक एक इमरजेंसी हो गया, तो आपका तो दूसरों के साथ कनेक्शन है, तो उसी हिसाब से थोड़ा आपको अदल बदल करना पड़ेगा। वरना आप घर वालों को बोल सकते हैं कि फिलहाल के लिए कुछ काम आप बांट लीजिए, एग्जाम के बाद हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेंगे। सो बेस्ड ऑन योर डेडलाइंस यू हैव टू आइडेंटिफाई सो दैट यू डोंट होल्ड अप द अदर्स वर्क, दूसरों के काम में दखलअंदाजी नहीं करेंगे और दूसरों भी आपके काम में दखलअंदाजी नहीं करेंगे। ओके, सो डेडलाइन एक इम्पॉर्टेंट चीज है प्रायोरिटाइज करने में। नीरज सर अगले स्लाइड पे आइए। सो ये देखिए डेडलाइन एक था, तो एक है कि इमरजेंसी डेडलाइन। डेडलाइन मतलब इमरजेंसी है, वो अभी करना ही पड़ेगा। इस आपको एग्जाम्स अभी जुलाई में देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बीएड का एग्जाम अगले साल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन नेट का या फिर सीडेट का एग्जाम आप, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसा भी है जो जून में है लेकिन वो दिसंबर के लिए तय किए हैं, तो वो डेडलाइन अपने लिए वो थोड़ा पीछे कर दिया। कुछ और काम होता है जो आपके लिए
सबसे ज्यादा मायना रखते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू यू। रिमेम्बर पहले दिन हमने बोला था कि कुछ कुछ कौन सा काम है जो आपको करने में अच्छा लगता है। सो दिस इज मोर ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट। जो जो काम जो चीज आपको अच्छा लगता है उसके लिए दिन में कुछ टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, उसके लिए थोड़ा टाइम रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आप पूरा दिन एकदम डल बोरिंग बिताए। ऐसा नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप अगर वो काम रखते हैं जो आपको अच्छा लगता है, वट एवर यू लाइक, यू कीप सम टाइम रिजर्व फॉर इट, देन दैट विल हेल्प इन योर डेली लिविंग। इफ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग आइटम्स ऑन योर लिस्ट, then certainly picking ones which speak the most to you is an angle to consider. If it doesn't necessarily mean that everyone around you will be happy about it, but you certainly will be happy. जो बहुत चीज आप लोग ने बोला कि हमको गाना गाना अच्छा लगता है, फिर घूमना, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं है, लेकिन आपको तो अच्छा लगता है। तो अगर हो सके तो ये इसके लिए कुछ टाइम अगर आप निकल सकते हैं। अगले पॉइंट जो है, बेस्ड ऑन द ईज ऑफ द प्रोजेक्ट, जो काम दिखने में आसान लगता है। ये देखिए, दिस माइट सीम एज अ चीट बट इट इज सर्टेनली नॉट। वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, इज टू इंश्योर दैट यू टिक ऑफ आइटम्स फ्रॉम योर लिस्ट। जो जो आसान काम है वो पहले आप कर लीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, ताकि आपके सर पे, मान लीजिए आपके ऊपर अभी 10 काम बाकी है, यू हैव 10 थिंग्स टू डू, टू डू लिस्ट में आपका 10 काम है, उसमें से अगर 3-4 काम जो आसान है, जो इजी है, अगर आप निपटा ले तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, सर दर्द कम हो जाएगा। अभी सिर्फ 6 या 7 काम ही बाकी रह गया। Although the easy ones have a certain ease to them, you can finish them off quickly, it is baffling to see how much time the easy ones can take. मतलब कि बहुत सारे काम है जो दिखने में आसान लगता है, लेकिन करते वक्त देखते हैं कि बहुत टाइम निकल जाता है। इसी चक्कर में हम बहुत सारे टाइम लूज कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिखने में जो आसान है वो आसान होगा, तो पहले उनको निपटा दीजिए, ताकि जो रियली टफ काम जो है, बहुत मुश्किल है जो काम, मुश्किल है जो काम में, वो उसके लिए आपको इनफ टाइम मिले। मेक श्योर यू सिलेक्ट द वन विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ओके, नीरज सर अगले साइड। तो जहां सर आवाज आ रही है, ठीक जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है। अच्छा हाँ, तो ये प्रायोरिटाइजिंग हमने कर चुके हैं। अभी देखिए अगला जो पॉइंट है वो है प्लानिंग, कैसे हम प्लान करें। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज नॉट जस्ट फॉर आइडियल टाइम सिनेरियो, इट इज आल्सो फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। हालात अगर बिगड़ जाए, हालात अगर मुश्किलें पैदा कर दे, तो कैसे हम उनको संभाले, उसके लिए कैसे हम टाइम निकाले, इसके लिए भी हमको प्लान करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम सामने है, तो आप सोच रहे हैं कि अभी तो एग्जाम है तो हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे, लेकिन आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि अचानक घर में कुछ मुश्किलें पैदा हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा। अचानक कोई इमरजेंसी आ सकता है, उसके लिए हमको टाइम रखना पड़ेगा। मेक श्योर यू हैव अ बफर इन योर प्लान। बफर मीन्स कुछ टाइम है, कुछ टाइम आपको अलग से निकलना पड़ेगा, जो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो उस टाइम के लिए आप तैयार है। अर्जेंट नीड नॉट मीन इम्पॉर्टेंट। याद है पिछले दिन हम पूछ रहे हैं कि कौन सी वो चीज है जो आपके लिए अर्जेंट है, लेकिन वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकता है। आप पढ़ने बैठे हो, पढ़ाई आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी घर का थोड़ा काम आ गया, मेहमान आ गया, वो अर्जेंटली आपको हैंडल करना पड़ेगा, वो अर्जेंटली आपको मेहमान नवाजी करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको करना है पड़ेगा। तो इसी चक्कर में थोड़ा टाइम हम लूज कर लेते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। दिस टेंड्स टू बी अ कॉमन पिटफॉल फॉर मोस्ट ऑफ अस। वी आर सो ट्रेंड टू रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टेंसेस, द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट टू बी, ये कितना आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि ये जो अर्जेंट काम आ गया ये कितना हमको इफेक्ट करेगा।
मेरा जो गोल है वो कितना इफेक्ट करेगा और ये कितना दूसरों को इफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई मेहमान आ गया तो क्या हमारे घर वाले उनको संभाल सकते हैं? अगर हाँ तो आप वो काम छोड़ दीजिए, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है वो काम, लेकिन आप आपके लिए नहीं, वो बाकी दूसरे लोग संभाल लेंगे। अर्जेंटली कुछ मान लीजिए किसी दोस्त ने बुलाया है, लेकिन ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कुछ और तरीके से कोई और दोस्त को भेजकर वो काम संभाल सकते हैं तो कर दीजिए। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अगले स्लाइड पे आइए नीरज सर। So, ye plan lacks time. Although we would like to optimistic and ensure that we do things to the best of our capacity, it is quite natural that something else almost invariably comes up. जो हम बोल रहे थे कि पढ़ाई करते करते कुछ और काम आ गया, बहुत सारे आपने participants आपने बोला है कि घर का काम करते करते ये काम, पढ़ाई करते करते घर का ये काम आ गया, वो काम आ गया, बच्चों को संभालना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, तो आप उसके लिए अलग से टाइम रखे। If our project, if our work is planned in the most optimistic manner, we are inevitably inviting some trouble. ऐसा नहीं है कि आप optimistic हो जाए कि ये पूरा time हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कुछ time रखना पड़ेगा बाकी कुछ emergency के लिए। A little bit of caution and pessimism is certainly advised when a project is being planned for time management. आपका जो काम है उसका planning के लिए ये थोड़ा time आपको रखना पड़ेगा। अगले slide पे आइए। अच्छा planning वाला था ना, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, और एक पीछे और एक, हाँ हाँ ये वाला ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये स्लाइड पे कुछ ब्रेक आ रहे क्या? स्लाइड ठीक से दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, ये अभी आ रहा है मेरे 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 मोबाइल पे। हाँ अच्छा, तो ये देखिए देखिए हम तो इंसान है, हम गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियां जितना आगे हो सके उतना बेहतर है, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम हमको मिलेगा वो गलतियां सुधारने के लिए। मेक योर मिस्टेक्स सूनर, परफेक्शन इज नेवर आवर फोर्टे। ऑल्दो आई लाइक टू थिंक डू थिंग्स द राइट वे, आई लाइक कंप्लीटिंग थिंग्स इवन मोर। आई कैन सिट अराउंड स्पेंड लोड्स ऑफ टाइम एंड मेक श्योर दैट आई, but when you look at the overall outcome, smaller bits sometimes tend to have their own level of importance. If we assign too much of importance and time to trivial things, chote chote cheez mein agar zyada time de de to wo mushkilein paida kar sakte hai. It is best to make mistakes sooner and quicker so that there is adequate opportunity to make amends. Jaise maan lijiye aap padhai mein jute hai, aap exams ke liye prepare kar rahe hai, गलतियां जितना अभी हो जाए तो बेहतर है, ना कि गलतियां एग्जाम के हॉल में हो, क्योंकि तब वो गलतियां सुधारने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। गलतियां प्रैक्टिस करते करते अगर गलतियां हो जाए अच्छा है, वो आप प्रैक्टिस करते करते आप उसको निकाल दीजिए। इसके लिए भी आपको टाइम रखना पड़ेगा, फॉर कीप सम टाइम फॉर मिस्टेक्स टू हैपन सो दैट यू कैन मेक द करेक्शंस। ओके अगले स्लाइड पे आइए। ये जो मैंने बोल रहा था इजी वन क्या लास्ट में करेंगे, इट इज ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग। इफ समथिंग इज इजी इट डजंट नेसेसरली मीन यू हैव टू डू इट इन द एंड, यू कैन कंप्लीट इट। जो काम इजी है वो पहले कर दीजिए, जो जैसे हम बोल रहे थे इजी वंस को लास्ट के लिए ना रखें कि वो बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। नॉर्मल टेंडेंसी इज दैट इजी वंस यूजुअली टेक अ बैक सीट, क्योंकि हमको पता है कि वो हम कर लेंगे, नहीं है, आप पहले कर दीजिए उसको। एज फार एज टाइम मैनेजमेंट इज कंसर्न यू कैन नॉट बी आस्किंग फॉर वर्स एनिमी।
although it seems like harmless activity of procrastination, it does have a way of increasing pressure. Procrastinate jitna karenge, jaise pichle din ek participant bol rahe the ki abhi karte karte bahut bore lagta hai, lekin agar hum rakh de, wo hamesha pressure build up kar deta hai. Always it keeps on adding the pressure. Agar jitna hum baad mein karne ke liye usko sochte hain. So aasan jo kaam hai kar lijiye, usko dimag se nikal dijiye. Easy ones last ke liye na chhode. Okay, agle slide pe aaiye. Acha, combine easy ones with other projects. Other, so bahut sare log jo aap bol rahe the ki hum bacche ko tel malish karte karte gana sunte hain, खाना पकाते पकाते हम पढ़ते हैं, तो ये कुछ लोग ये कर सकते हैं. मल्टीटास्किंग जो है वो अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारे लोग को अब ये भी था कि पढ़ाई करते करते हम दूसरा काम नहीं कर सकते. जो आप देखिए लिखा है, द वंस विच डिमांड अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ये हम सब काम का मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, नहीं, बट इन द रेम ऑफ एक्टिविटीज वी परफॉर्म. अगर कोई ईजी काम हो जो रेपिटेटिव हो, जो काम करने में उतना दिमाग का जरूरत नहीं है, हमारे मसल मेमोरी से हो जाता है, हमको बॉडी को पता है इसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा, तो वो दूसरे काम के साथ अगर हम जुड़ लेते हैं तो थोड़ा टाइम हम सेव कर सकते हैं फॉर दैट मोर डिफिकल्ट वर्क. देयर आर वंस विच कैन बी इजी, विच वी कैन इजीली डू, रादर सीम्स टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू कैनॉट कंबाइन इट विद समथिंग एल्स विच कैन गेट डन इन पैरेलल. Make sure you finish it on importance and not on ease. Again, it is not always the best way to start working on the easiest aspects. It can only get part way towards the overall project being managed. Overall, जो काम है उसके ऊपर आपको depend करेगा कि आप कौन सा काम, जो हम prioritize के लिए हम बोल रहे हैं. Okay? Instead, breaking into chunks and combining with the tougher activities tends to work in your favor. तो छोटे-छोटे काम में हम बड़ा काम को छोटे छोटे चंक्स में, वो जो वर्ड लिखा है चंक्स, छोटे छोटे चंक्स में हम भाग कर देते हैं. जैसे मान लीजिए ये कल हम बोल रहे थे कि आप चौथे मंजिल में तो एक साथ नहीं छलांग मार के तो ना नहीं जा सकेंगे. यू कैन नॉट जंप टू द फोर्थ फ्लोर डायरेक्टली. यू हैव टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, ब्रेक इट इंटू वन बाई वन एंड देन कंप्लीट द एंटायर टास्क. वही हम करेंगे. ओके, अगले स्लाइड पे आइए. अभी आ गया प्रोक्रेस्टिनेशन. ये पहले दिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बोला था कि ये हमारा प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला था कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे. ये देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन वो है जो समय को चोरी करता है. प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ थीव ऑफ टाइम. मोस्ट टाइम्स वी टेंड टू थिंक इट इज ईजियर, इधर ईजियर और वील हैव मोर टाइम टुमारो, बट द ट्रूथ इज कल भी ये काम आसान नहीं होगा. You won't have more time tomorrow. कल भी इतना टाइम नहीं रहेगा. जो आप सोच रहे हैं कि आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, कल टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है. This is probably a harsh truth. ये बहुत कड़वा सच है. But things take the amount of time they do, although we would like to take them less. On an optimistic belief, we can say that because it appears easy or difficult, we might have more information. ऐसा बहुत सारे लोग को ऐसा मानना पड़ता है कि वो मानते हैं कि अगर थोड़ा देर से करेंगे तो हमको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हम और एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे. लेकिन ये एक अपने आप को एक हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं. बट एडिशनल ट्रूथ इज देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रेशर एज वेल एज सम मोर एडिशनल आइटम्स टू वर्क ऑन. सो थिंग्स गेटिंग ईजियर लेटर इज प्रोबेबली समथिंग विच इज नॉट, विच गोज अगेंस्ट अस. सो प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, अगले दिन के लिए काम ना छोड़े. ओके, अगले स्लाइड पे आइए. हाँ, जैसे हम बोल रहे थे कि ये कल के लिए आसान नहीं हो जाएगा. एक्सपीरियंस हैज टॉट दैट थिंग्स विल नॉट बी इजियर टुमारो. इट समटाइम्स अपीयर्स टू बी, बट मोर ऑफन देन नॉट डिफिकल्टी लेवल बढ़ता ही जाता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि समय कम हो जाता है. With closeness to deadlines. देखिए, deadline जितना नजदीक आ जाएगा, वो ठीक है, exams अगले दिन पढ़ लेंगे, अगले दिन करते करते क्या होता है कि एक एक दिन आपके time schedule से निकल जाता है.
तो प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए. इट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ आर नर्व स्टार्ट टू टेकिंग द बेटर ऑफ अस एंड वी वोंट बी एबल टू डिलीवर कामनेस. जितना देर हो जाएगा हमारा टेंशन बढ़ जाएगा और हम बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट से, काम माइंड से हम सोच नहीं पाएंगे. सो हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, डू समथिंग टूडे. जितना छोटा हो सके आज के लिए कुछ काम कर लीजिए, कुछ काम आज के लिए कर लीजिए, ताकि वो जो आप आज कर लेते हैं उसका प्रेशर आपको कल नहीं रहेगा. दिस हैज ऑलवेज प्रूवन इफेक्टिव. इंस्टेड ऑफ पुशिंग समथिंग ऑल द वे टू सम अदर डे, वेरी हेल्पफुल इट इज टू डू समथिंग इवन दो इट इज वेरी स्मॉल. इट सर्टेनली इज नॉट अ साइकोलॉजिकल प्लॉय बट मेयरली एनर्जी. एवरी लेवल ऑफ प्रोग्रेस वी कैन गेन अ पीस ऑफ एक्टिविटी हैज ह्यूज पोटेंशियल टू कम हेल्प अस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. हमको कंसिस्टेंटली वो हेल्प करता है कि हम कैसे थोड़ा थोड़ा वो काम करते करते जाए और प्रेशर कम करते. झा सर हम सुनाई दे रहे हैं, एम आई ऑडिबल? हेलो सुनाई दे रहे हैं? अच्छा नीरज सर आप अगले स्लाइड पे आइए. ये हाँ ओके पार्टिसिपेंट्स अभी देखिए ये जो हम बोल रहे थे चंकिंग. चंकिंग के मतलब है बड़ा काम को छोटे छोटे हिस्सों में आप बांट दीजिए, ताकि एक एक हिस्सा आप अलग अलग से खत्म कर दीजिए तो आपका बड़ा काम आसानी से छोटे छोटे काम में बांट कर हो जाएगा. एवरी बिग बिल्डिंग वॉज वंस अ स्मॉल ब्लू प्रिंट. हर जो बड़ा मकान बनता है, इमारत बनता है, वो एक दिन छोटा एक ब्लू प्रिंट था. उससे वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मंजिल पर मंजिल बनते बनते वो बड़ा बिल्डिंग बने हैं. मेक योर ह्यूज प्रोजेक्ट सेवरल स्मॉलर वंस विद रियलिस्टिक टारगेट्स टू अचीव. रियलिस्टिक टारगेट आपको याद है जो हमने गोल सेटिंग में बताया था? स्मार्टर गोल रियलिस्टिक. स्मार्टर जो था वो आर जो था रियलिस्टिक. रियलिस्टिक टारगेट्स में हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे. स्प्लिट द प्रोजेक्ट इंटू स्मॉल पार्ट. अ प्रोजेक्ट इज क्वाइट नॉर्मली अ लार्ज वन. आपका जो काम है वो बहुत बड़ा होता है. इट अपीयर्स टू बिग टू फिनिश ऑफ इट. एक ही दम में आप पूरा काम खत्म नहीं कर पाएंगे. अ स्मार्टर थिंग टू डू इज टू ब्रेक इट डाउन इंटू कंज्यूमेबल पार्ट. जितना छोटा छोटा हिस्सों में बांट लेंगे जो आपके लिए आसान हो जाएगा. द ब्यूटी ऑफ इट इज इट गेट्स यू टू थिंक through different options to making it work. तो आप अलग अलग नजरिए से उसको देख के उसको खत्म कर सकते हैं. ओके अगले स्लाइड पे आइए. हाँ अब ये देखिए keep smaller targets leading to the bigger ones. जो जैसे हमने गोल सेटिंग पिछले दिन बोल रहे थे कि बड़ा एक गोल है उसके लिए स्मॉलर स्पेसिफिक टारगेट्स. स्मार्टर का जो फर्स्ट एस है स्पेसिफिक जो टारगेट्स है स्मॉलर टारगेट्स रखिए जो आपका बड़ा गोल जो है बड़ा काम जो है उसको हासिल करने में आपको मदद करेगा. द बिगेस्ट वंस आर नॉट यूजुअली द इजीएस्ट टू गेट थ्रू इन वन गो. योर स्मॉलर टारगेट्स प्ले अ पिवोटल रोल इन हेल्पिंग यू टीच द फर्स्ट फाइनल वन. तो बड़ा जो गोल है उसको छोटे छोटे गोल में आप बांट लीजिए. इट इज ऑलमोस्ट लाइक रनिंग द मैराथन. मैराथन रेस आपको पता है, बड़ा जो लंबा 42 किलोमीटर का रेस होता है मैराथन. ओलंपिक का इवेंट है, 42 किलोमीटर का रेस है. तो जो लोग वो मैराथन दौड़ते हैं वो छोटे छोटे टारगेट में छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट कर उस टारगेट को अचीव करते करते वो जाता है. जैसे मान लीजिए क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेटर्स क्या करते हैं एक एक ओवर के लिए अलग अलग टारगेट सेट कर लेते हैं. अभी T20 होता है, IPL होता है, वहां पर देखिए वो MS धोनी वगैरह जो भी है वो प्लान कर लेते हैं कि इस ओवर में हम कितना करेंगे, अगले ओवर में कितना करेंगे. ना कि वो सोचता है कि 20 ओवर में हम पहले से 20 ओवर के लिए सोचते नहीं है. वो एक एक ओवर के लिए सोचते हैं, अगले ओवर के लिए ऑटोमेटिक वो टारगेट सेट करते हैं. बट ईच पार्ट ऑफ द जर्नी हेल्प्स यू टू गेट द फाइनल गोल. ये भी है कि आपको एक साथ सब काम नहीं करना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू डू ऑल एट वंस. दिस इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग टास्क इनटू चंक्स. छोटे छोटे
हिस्सों में बांट लेते हैं. यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस टास्क योरसेल्फ. ऐसा नहीं कि अभी आपको पढ़ना भी है, एक साथ खाना भी पकाना है, एक साथ बच्चों की भी संभालना है, एक साथ बाहर का काम भी करना है, ऐसा नहीं है. छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए. कुछ टाइम है पढ़ाई के लिए, कुछ टाइम है घर का काम के लिए. अलग अलग प्रायोरिटाइज करके, प्लान करके, छोटे छोटे काम में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर ये काम आप कर लीजिए. कीपिंग टाइम लिमिटेड टू एरियाज विच डिमांड यू एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द फाइनल गोल हेल्प्स यू कैटेगराइज योर अप्रोच बेटर. सो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप ना करने से नहीं चलेगा. जैसे पिछले दिन एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि बच्चा का देखभाल हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन परिवार के साथ वक्त गुजारना वो ना करने से भी चल जाएगा. वो हम अगर हम ना करें तो वो टाइम हम पढ़ाई के लिए हम दे सकते हैं. ओके, अगले स्लाइड पे आएगी. चंकिंग के बाद है, छोटे छोटे हिस्सों में तो हम बांट लिए हैं. अब ये है कि ये हिस्से जो है ये कैसे हम कंबाइन करें. कंबाइनिंग, you just need to be smart about time. You cannot do everything at once, जैसे हम बोल रहे थे. तो एक साथ तो सब काम हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जो काम हम कर पाते हैं, जैसे मैंने बोल रहा था मल्टीटास्किंग, एक साथ दो काम करें, वो कौन से ऐसे काम हैं जो हम कंबाइन कर सकते हैं. जैसे हम मान लीजिए कि आप जब कॉलेज में आते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, वो काम करते करते अगर हम गाना सुन ले, जिसको गाना सुनना अच्छा लगता है, या फिर कुछ और काम करते करते थोड़ा और जो आसान जो काम है, जितने जिसमें उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता है, वो अगर आप कर ले तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा. ओके, जैसे मान लीजिए कि आप घर का कुछ काम करते करते आसान जो काम है, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पढ़ाई के लिए अलग से कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, तो उसके लिए अलग से टाइम रहे. अगेन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं कि खाना पकाते पकाते पढ़ लेते हैं. ये अगर आप कर सकते हैं तो आप कंबाइन कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है. अगले स्लाइड पे आइए. योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, ये आपको तय करना पड़ेगा कि दिन में कौन से टाइम में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं. कौन से टाइम में अगर आप पढ़ाई करें तो वो सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट देगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइम्स यू वर्क एट योर बेस्ट, वेयर योर प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम. इट नीड नॉट बी जस्ट अबाउट टाइम, इट कैन बी प्लेस. आप खुद के लिए एक अलग सा जगह ढूंढे जहां आप ठीक ठाक से ध्यान से मन लगाकर पढ़ सकते हैं. एनवायरमेंट अच्छा हो, वेदर अच्छा हो, मेक श्योर यू क्रिएट द मोस्ट कंड्यूसिव एनवायरमेंट. व्हाट टाइम ऑफ द डे आर यू एट योर बेस्ट, आप खुद संभाल, आप खुद लिख लीजिए कि दिन में कौन से टाइम है जहां पर आप ठीक ठाक से पढ़ाई कर सकते हैं. ओके, तो ये आपको तय करना पड़ेगा. स्मार्ट वर्क इज नोइंग व्हेन यू परफॉर्म बेस्ट. ऐसा नहीं है strategizing this for activities which demand most concentration and demarcating your time specifically for those. तो ये जो productive time हम बोल रहे हैं, ये आप उसी काम के लिए रखें जिसमें आपको सबसे ज्यादा concentration और सबसे ज्यादा आपका दिमाग का जरूरी होता है. Okay? So keep that time for when you are most productive, when you are most, when you can concentrate or focus most. Keep that time for those activities. अगले स्लाइड पे आइए. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप घंटों एक काम पे जुटे रहे. इससे ऐसा नहीं कि हम तो सोच रहे हैं अरे आप तो इतने वक्त बिताकर हम पढ़ते हैं लेकिन क्यों काम नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों पढ़ाई हमारे दिमाग में घुसते नहीं है. हार्ड वर्क से कुछ, हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ. यू हैव टू वर्क स्मार्ट. ओके, यू इफ यू पुटिंग द एक्स्ट्रा आवर्स एंड स्ट्रेचिंग टाइम यू गेट एग्जॉस्टेड. बहुत सारा, जैसे पिछले दिन एक पार्टिसिपेंट बोल रहे थे कि हम पढ़ाई के लिए बढ़ते हैं लेकिन हम सो जाते हैं. तो जैसे हमने बोला था कि आप थोड़ा उससे पहले थोड़ा बफर टाइम, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बफर टाइम निकाले. बफर टाइम निकाल के
घर का काम कुछ और लोगों को दे के बफर टाइम निकल के उसमें आप थोड़ा सो जाइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, ताकि आप जब पढ़ने बैठेंगे यू बी एट योर प्रोडक्टिव बेस्ट। ताकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, ये ना हो। इफ यू आर लुकिंग एट अ लॉन्गर प्रोजेक्ट इट्स नॉट द माइनस पार्ट्स ऑफ लॉन्ग आवर्स, यू हैव टू थिंक स्मार्टली एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क स्मार्टली। ओके, पहले दिन हम बोल रहे थे व्हाट इज योर स्वॉट स्ट्रेंथ्स, वर्क थ्रू योर स्ट्रेंथ्स, नॉट एवरीथिंग इन द लिस्ट नीड टू बी डन बाय यू, यू नीड टू रिजर्व योर टाइम एंड स्ट्रेंथ फॉर एक्टिविटीज विच डिमांड द हाईएस्ट एनर्जीज, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज्यादा आपका एनर्जी डिमांड करते हो, उसमें ही आप अपना टाइम दे, बाकी के जो है वो आप मल्टीटास्किंग करके या फिर दूसरों को दे के वो आप निपटा ले। ग्रांटेड दैट एट टाइम्स इट फील्स दैट एवरीथिंग नीड्स टू बी डन, बट दे कैन, आई एम श्योर दे विल बी समथिंग और द अदर विच कैन गेन बेटर आउटपुट। सो ये आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट कितना दिया उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है, जो हम अगले स्लाइड पे देखें। अगले स्लाइड पे आइए सर। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, दो स्लाइड किया मिल गया है। नीरज सर ये दिखाई दे रहा है ठीक से? हेलो, हाँ सर पूरा 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 अब हो गया सर। हाँ हाँ, ये जो अगले स्लाइड जो है आप देखिए, यहाँ पर है हैव अ ब्रेक। ओके, कोई कोई आदमी कंटिन्यूअसली 10 घंटा काम नहीं कर सकता, हमको सबको ब्रेक चाहिए, तो आप ब्रेक ले लीजिए। सिर्फ काम ही काम करते जाओ और कोई ब्रेक ना हो अपने लिए कोई टाइम, जैसे हम बोल रहे थे अपना जो काम आपको अच्छा लगता है, जो आपने पहले दिन जो काम आप पहले दिन आप यू मेड अ लिस्ट। हेलो जी, हाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है सर। हाँ हाँ, अब हो गया। अच्छा अब हो गया। तो पहले दिन हम जो लिस्ट आपको दिए थे कि जो जो काम आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए भी टाइम रखें, ताकि आप ब्रेक ले सके। आपके काम में से आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, वरना आप साइकोलॉजिकली आप ड्रेन्ड हो जाएंगे, यू विल फील टायर्ड, यू विल फील एग्जॉस्टेड, इट इज नॉट प्रोडक्टिव टू मैकेनिकली सर, हम मशीन नहीं है, मशीन की तरह हम काम करते जाए वर्किंग ऑन समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, देयर इज वेरी लिटिल गेन इन फिजिकल एक्सरसाइज विदाउट मेंटल कॉन्सेंट्रेशन और फोकस अगर ना हो, रिजल्ट्स मैटर मोर देन मैकेनिकल प्रेजेंस। आपका आउटपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कितना आप उन पे एफर्ट दिया है, इनपुट कितना दिया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आउटपुट क्या आ रहा है। आप बहुत टाइम लेके पढ़ाई कर रहे हो लेकिन अगर वो आपके दिमाग में ना जाए तो कोई फायदा नहीं है। ओके, अगले स्लाइड पे आइए। सो टेक ब्रेक्स, रिफ्रेश योरसेल्फ, ताकि आप रिजुविनेटेड होके, रिफ्रेश्ड होके, एनर्जाइज्ड होके आप आ सके। व्हाटएवर वर्क्स बेस्ट फॉर योर प्रोडक्टिविटी, एम इज टू गेट वर्क डन इन द अमाउंट ऑफ टाइम इलैप्स। टाइम इलैप्स गेट्स लॉन्गर फेयरली इजीली इफ यू डोंट कीप अप। ऐसा ना हो कि ब्रेक लेते लेते वही आपका मेन काम हो जाए। बहुत सारे हमने स्टूडेंट्स देखे हैं हमारे अलग से जो वर्कशॉप होता है दूसरे जगह पे, वो बोलते हैं कि ब्रेक लेते लेते ब्रेक ही ज्यादा टाइम ले रहा है असली पढ़ाई से। ऐसा ना हो, ब्रेक इज अ ब्रेक, इट्स नॉट द मेन एक्टिविटी। टाइम योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू आर गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम योर सेल्फ। ब्रेक्स आर नॉट ऑल बैड इफ दे सर्व योर पर्पज। ब्रेक्स खराब नहीं है लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कीप इट सिंपल एंड सेपरेटेड, दिस मे साउंड अनरिलेटेड बट यू कैनॉट एफोर्ड टू फील, खुद को गिल्टी मत फील करिए कि हमने इतना ब्रेक ले लिया। ब्रेक आपको बनता है, ब्रेक यू हैव अ राइट टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक यू डिजर्व अ ब्रेक, क्योंकि अगर ब्रेक ना मिले तो आपका दिमाग, आपका मन,
काम नहीं करेगा, मन की संतुलन नहीं रहेगा, आप बैठे रहेंगे लेकिन काम उठेगा नहीं, काम खत्म नहीं होगा. Neither of these approaches do you any good. Ultimate goal is to get the results you want, and you will need to find the easiest way to get there. अगले स्लाइड पे आइए. अगले स्लाइड पे आइए. ठीक से दिखाई दे रहा है वहां पे? जी, स्लाइड इज नॉट क्लियर. ये स्लाइड क्लियर नहीं है, एक पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं. अभी आ गया, हाँ पूरा आ गया. देखिए वर्किंग, हाँ वर्किंग ओवर टाइम. सुनाई दे रहा है ठीक से? जी 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 बिल्कुल. अच्छा हाँ, देखिए वर्किंग ओवर टाइम ऐसा ना अग्री दैट कम बहुत बहुत सारे कंपनीज में ये चालू है कि ओवर टाइम काम करे और ज्यादा ये, लेकिन ओवर टाइम अच्छी बात नहीं है. इसका मतलब है कि आपका टाइम मैनेजमेंट उतना स्मार्ट नहीं है, आपका गोल सेटिंग उतना स्मार्ट नहीं है. अगर वो होता तो आपको ओवर टाइम नहीं करना पड़ता. घर में भी वही बात है कि अगर आप एक काम में ज्यादा टाइम दे तो ये अच्छी बात नहीं. या तो आपका प्लानिंग गलत है या फिर आप ठीक तरीके से वो काम नहीं कर रहे. डोंट ओवर प्रॉमिस एंड वरी लेटर. ऐसा नहीं है कि हाँ ये काम हम 5 दिन में कर लेंगे, जो काम 10 दिन में करना पड़ता है वो आप 5 दिन में कर लेंगे. बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए लेकिन बाद में आप पछताएंगे. आई अप्रिशिएट दैट एट टाइम्स वी have to get a deal and compromise on cost, but good quality work sometimes. ऐसा नहीं कि वो काम 5 दिन में ही हो जाएगा. टाइम को छोटा करने के लिए, टाइम बचाने के लिए क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. जो काम है वो ठीक तरीके से कीजिए. जो काम है वो आप उसका जो टाइम वो डिमांड करता है वो पूरा टाइम दे और फिर उसको कंप्लीट कीजिए. इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम क्वालिटी को मत कॉम्प्रोमाइज कीजिए. इट इज रादर मोर एक्सपेंसिव देन गेटिंग द डील इन द फर्स्ट प्लेस. सो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. अगर वो टाइम लगेगा तो लगेगा, इसमें बुरा लगने का कोई बात नहीं है. जो काम जो टाइम डिमांड करता है उसको वही टाइम दीजिए. अगले स्लाइड पे आइए. ये देखिए थोड़ा अभी अनक्लियर है, उसको आने दीजिए. हाँ पूरा आ गया. अब देखिए ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम आप कर रहे हो मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है. हार्ड वर्क इज ऑफन मिसअंडरस्टूड. जो जितना हार्ड वर्क करते हैं बहुत सारे लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसा भी हो सकता है उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं हो. और ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी काम खत्म करते मतलब आप ठीक तरीके से नहीं काम कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है. आपका अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट रिजल्ट यू ब्रिंग. जस्ट बिकॉज समवन पुट्स इन एक्स्ट्रा आवर्स ऐसा नहीं है कि वो अपना गोल ठीक तरीके से वो पूरा कर रहा है. द एंड रिजल्ट इज नॉट इन द इनपुट बट द आउटपुट जनरेटेड इन द टाइम अवेलेबल. स्पेंड टाइम ऑन इफेक्टिव रादर देन बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क. कैसे आपके काम आप इफेक्टिवली कर सके वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ओवर टाइम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं लेकिन इतना इफेक्टिव ना हो. This again points back to the differentiation between hard work and smart work. It is easy to fool ourselves by spending more time, but equally hard to focus on efficiency. हम सोच रहे हैं हम तो बहुत किताब लेके बहुत टाइम बैठे हैं, लेकिन क्या आप सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ते पढ़ते दिमाग किसी और किसी और चीज की तरफ चला गया, दिमाग में कुछ और thoughts आ गया, आपका दिमाग कहीं और घूमने चला गया. ऐसा होने से वक्त बीत जाएगा लेकिन आपका रिजल्ट्स नहीं आएंगे. बिटवीन द टू टाइम टेक सेकेंडरी प्रेसिडेंसेस अपोज टू एफिशिएंसी. सो बी केयरफुल वेयर योर प्रायोरिटीज लाइक. हम रिटर्न कर चुके हैं ऑन आवर प्रायोरिटीज व्हिच अल्टीमेट प्रायोरिटी इज एफिशिएंसी. अगले स्लाइड पे आइए.
थोड़ा भी बाकी है। हाँ आगे, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड इन टाइम मैनेजमेंट। आप देखिए कि बिग पिक्चर आपको देखना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले दिन बोला था कि बड़ा गोल कौन सा है, उसके लिए छोटा छोटा गोल्स हमने तो ब्रेक कर चुके हैं, चंकिंग कर चुके हैं, लेकिन वी ऑल हैव बिगर पिक्चर इन लाइफ, द बिगर क्वेश्चन विच इज बियॉन्ड दिस टाइनी डेडलाइंस, पे चेक्स, एग्जाम प्रेशर्स। बिगर पिक्चर इज आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम से भी ज्यादा। डेडलाइंस, काम सब इंपॉर्टेंट है, बट नथिंग इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। अगर आप ना करें तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। इस दुनिया में कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, आपके बगैर दुनिया नहीं चलेगा ये भी नहीं है, दूसरों के बगैर आप नहीं चल सकेंगे ये भी नहीं है। यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड मेक थिंग्स बेटर, लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस, सभी एक्सपीरियंस से सीखे। यू हैव टू बिल्ड इन अ लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी टू योर ऑपरेशंस, और एल्स इट इज ईजी टू गेट सकम्ड इनटू प्रेशर्स। प्रेशर में मत आइए, अपने काम ठीक तरीके से कीजिए, उसके लिए टाइम निकाले, ठीक तरीके से प्रायोरिटाइज करके कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चुने, उसके लिए अलग सा टाइम रखे और प्लानिंग कर ले, और छोटे छोटे गोल्स में चंकिंग करके बड़ा काम को छोटे हिस्सों में बांटकर आसानी से कर ले स्मार्टली, ना कि बहुत एफर्ट दे के ओवर टाइम दे के, तब जाके आपका सभी गोल्स आप रीच कर सकेंगे विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो दिस वॉज द प्रेजेंटेशन ऑन टाइम मैनेजमेंट। अभी मैं बहुत बोल चुका हूँ, इतना लंबा नहीं मैं नहीं बोलता हूँ। आप पार्टिसिपेंट्स, अब आप कागज कलम उठाइए। झा सर, हम ऑडिबल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके पार्टिसिपेंट्स, अब आप कागज कलम उठाइए, और पिछले दिन आप जो काम लिखे थे कि सारे दिन जो काम आप करते हैं, अभी आपके सामने ये सारे टाइम मैनेजमेंट हम जो डिस्कस किए हैं, अभी आप सोच के बताएं कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे, कैसे आपका काम को इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज करके, प्लानिंग करके, छोटे छोटे चंकिंग करके आप उसको निपटाएंगे। इफ यू कैन राइट इट डाउन, नोट इट डाउन एंड देन शेयर इट विद अस। ओके पार्टिसिपेंट्स, मेरा इंस्ट्रक्शन क्लियर था जा सर? हाँ सर क्लियर है, लेकिन पुनः एक बार दोहरा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स, पिछले दिन आप लिखे थे कि आप सारे दिन क्या क्या काम करते हैं, वो काम अभी ये जो टाइम मैनेजमेंट हम आपको दिखाए हैं, आपने डिस्कस किए हैं, तो उसी उसी के बलबूते पे आप अपना काम कैसे डिवाइड करेंगे, अमंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू, विच इज अर्जेंट फॉर यू, जो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, उसके लिए अलग सा टाइम रखे। जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो ज्यादा मुश्किल है काम, उसके लिए अलग सा टाइम रखे। जो आसान काम है वो पहले निपटा दे, और बड़ा काम जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर कैसे आप वो छोटे छोटे हिस्से कंप्लीट करते करते बड़ा जो काम है उसको निपटाएंगे, वो आप अभी तय कर लीजिए, अपने टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, और अबाउट योर वर्क शेड्यूल्स, अबाउट योर रूटीन करके लिख लीजिए और हमसे शेयर कीजिए। नीरज सर, आप वो थर्ड जो पावर पॉइंट है जो कल हमने भेजा था, उसको रेडी करके रखिए। तो मैं आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ बोलिए। सर, आपने बताया कि अगर किसी भी काम को हम लोग पूरा अपने जितना मतलब इच्छा हो करते रहना चाहिए, तो जैसे मान लीजिए एक किसी ने ये कहा था कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे नींद आती है। हाँ। और
3 घंटा का टारगेट करके मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ, मैं सो जाती हूँ. तो सर मुझे ये जानना है कि उस सिचुएशन में क्या हम लोग सो जाए या फिर कुछ और करें कि मतलब जैसे कि फिर से पढ़ने बैठे, ऐसा कुछ सर. या ये सवाल पिछले दिन आए थे तो मैंने ये नहीं बोला कि जो मुझे अच्छा लगता है वो करते ही जाए, ऐसा नहीं है. जो काम अच्छा लगता है उसके लिए अलग से कुछ टाइम हम रिजर्व करके रखें, ओके. और पढ़ाई के लिए हमको टाइम तय करना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे मैंने अभी बोला है कि इम्पोर्टेंस जो है उसी हिसाब से टाइम को रखना पड़ेगा. और पिछले दिन ये सवाल जिसने किए थे उसको हम बोले थे कि पढ़ाई के लिए अलग से टाइम रखे, बफर टाइम अभी जो हमने डिस्कस किए है वो हम रखे बफर टाइम, ताकि उसमें उसी बीच में हम सो जाए, ताकि व्हेन आई गेट अप आई विल बी फुली फ्रेश. वो जो पार्टिसिपेंट वो बोल रहे थे कि सुबह 5 से 10 तक हम काम करते हैं, फिर हम पढ़ाई के लिए बढ़ते हैं तो हमको नींद आ जाते हैं, हम सो जाते हैं. तो मैंने ये बोला था कि आप अगर हो सके वो 5 से 10 5 घंटा का जो काम है उसमें कुछ काम अगर वो आप दूसरों को दे दे तो क्या हुआ, थोड़ा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे देते हैं. जो हमने अभी डिस्कस किए है कि सब काम आपको करना पड़ेगा ऐसा नहीं है. उस काम अगर हम दूसरों को दे दे तो थोड़ा टाइम हम बच जाएगा, वो बन गया मेरा बफर टाइम. उस टाइम में हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं ताकि हम जब पढ़ने बैठेंगे आई कम बैक, सो दैट बिकम्स माई ब्रेक टाइम ऑल्सो, दैट बिकम्स माई ब्रेक, आई टेक अ ब्रेक, ताकि हम रिजुविनेटेड होके रिफ्रेश्ड होके जब पढ़ने बैठेंगे आई विल बी टोटली फ्रेश, सो दैट आई कैन फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई, क्योंकि ये मुश्किल काम है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जरूरत है, तो हम कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर सकेंगे. ओके ओके. सो सभी पार्टिसिपेंट्स लिख लीजिए, फिर एक एक करके शेयर कीजिए. और जैसे झा सर ने बोला है, जो पार्टिसिपेंट शेयर नहीं कर रहे हो प्लीज कृपया आप शेयर कीजिए. जो पार्टिसिपेंट्स बना लिए हैं लिख लिए हैं वो अपना हाथ रेज करें. सोनम कुमारी, तबस्सुम परवीन, वर्षा रानी, यशोदा कुमारी, स्मिता कुमारी, सीमा कुमारी, 90 रोल नंबर, श्वेता पांडे, श्रेया रश्मि, शरद कुमारी, शंकर कुमार शर्मा, ग्रिजली 3 पीपीटी रेडी करी. अंजू कुमारी, अनुराधा कुमारी, बंगाली यादव, गुड्डी कुमारी, 93 रोल नंबर, कुमारी मीनाक्षी, मधु कुमारी, मालती कुमारी, मोनिका सिंह, 83 रोल नंबर, मनीषा कुमारी, 97 रोल नंबर, प्रिया कुमारी, 100 रोल नंबर, प्रियंका भदानी, कोई हाथ रेज करें. मोना सिन्हा बताइए. मोना सिन्हा आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए. मोना. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. आवाज आ रही है? हाँ. सर जैसा है कि टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मैं टाइम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हूँ. मेरी उम्र रही होगी 10 या 12 साल की रही होगी तब से मैं टाइम को मैनेज करके अभी तक उस टाइम के हिसाब से चलते आ रही हूँ. बहुत अच्छा. क्योंकि उस वक्त से मेरा गोल जो था वो मतलब माइंड में सेट हो चुका था कि मुझे ये अचीव करना है तो करना है. तो इसे अचीव करने के लिए मुझे जो मतलब सेक्रीफाइस जो करनी पड़ी वो बहुत भारी पड़ी मुझे. लेकिन जो भी अभी जो हालात है वो सब सही है. ये क्या हुआ कि अभी शादी को मेरे 3 साल हुए हैं. अच्छा. जब शादी हुई थी उस समय मैंने पीजी करके अभी पीजी की थी तो पीजी करके
आई थी, रिजल्ट शादी के 3-4 महीने बाद आए थे. अच्छा. मेरा प्लानिंग ये था कि अभी पीजी की हूँ तो शादी हो रही है तो कुछ दिन रिलैक्स करूंगी, एंजॉय करूंगी शादी को, थोड़ा एंजॉय करूंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 1 साल बाद मेरे हस्बैंड ने बीएड में एडमिशन करवा दिया. अच्छा. बीएड करना मेरे प्लान का हिस्सा कहीं नहीं था, मतलब मेरे प्लानिंग में बीएड था ही नहीं कि मुझे बीएड करना है. अब मेरे सामने ये समस्या आ गई सर कि उसी वक्त मेरा बच्चा जो है अब ये जुलाई में 2 साल का हो जाएगा, तो उस बच्चे के साथ और बीएड को लेकर चलना मेरे लिए सबसे टफ काम हो गया. एक अच्छी बेटी बनना, एक बहू बनना, एक वाइफ बनना, एक मदर बनना और उसके साथ एक स्टूडेंट बनना. अब स्टूडेंट का जो रोल है वो जीरो हो गया. क्यों? क्योंकि ना तो ग्रिजली कॉलेज ये जानता है कि मेरा कितना, मतलब मैं कितने कॉलेज, मतलब कितने क्लासेस अटेंड की हूँ, कुछ भी नहीं. 2 सेमेस्टर जो मेरा है वो सिर्फ एग्जाम के समय सेंटर पर जाती थी, एग्जाम देती थी और घर आती थी बस. और कुछ ऐसे काम होते थे जो कॉलेज में मैंने कदम रखा है, क्लास मैंने एक भी अटेंड नहीं किया. जब समस्या आई आपको माइक्रो टीचिंग के समय कि सबने कहा कि आपको पीओटी करना है तो माइक्रो टीचिंग अटेंड जरूर करना है, क्योंकि आपको पीओटी जो जिस बेस पर आधारित है, जैसे आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या टेक्निक है, उस हिसाब को आपको माइक्रो टीचिंग ही बताएगा कि कैसे आपको बच्चों को हैंडल करना है. अब मैंने तो अपना समय जो सेट कर दिया है 24 घंटे में, ये 5 घंटा जो मेरा है इस 5 घंटे को मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, ये 2-3 घंटा और शाम का 5 घंटा. ये 10 से जो 1 है वो मेरा है, अभी भी मेरा है. ये जो वर्कशॉप में कर रही हूँ इजी वे में, यही इसी का कारण है, सेट किए हुए प्लान के अनुसार ही है कि मैं 10 से 1 मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इनफैक्ट मेरा बच्चा भी नहीं, क्योंकि उसका सोने का समय है. 10 से 1 मैं उसे सुला देती हूँ, चाहे उस 10 से 1 में पढ़ूं या सिलाई करूं या कुछ भी करूं, वो मेरा है. बहुत अच्छा. वो 10 से 1 मेरा है तो मेरा है. अब क्या हुआ कि माइक्रो टीचिंग में मुझे क्या चाहिए, तो 11 से 2 चाहिए टाइमिंग. तो मेरा बच्चा 10 बजे मैंने उसे सुला दिया, 11 बजे, जो कि मैं डिपेंड हूँ, यहाँ ससुराल है मेरा तो हस्बैंड के साथ जाना कॉलेज और हस्बैंड पहुंचाएंगे, तो 11 से 2 मेरा फिक्स था. मेरी जो कम्बाइंड फैमिली है, जो मेरी जेठानी हुई, वो सुबह का नाश्ता और खाना संभाल लेती है, तो मुझे 2 से 2 बजे तक मैं एकदम फ्री हूँ. तो मैंने ये माइक्रो टीचिंग का जो क्लास है 2 बजे तक अटेंड किया है, उसके बाद नहीं. फिर पीओटी का जब समय आया तो डे का जो था 10:30 से 3:30, उसमें भी मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी मैंने इसको एडजस्ट किया. घर के बगल में ही स्कूल था, आना जाना हुआ होते रहा, लेकिन इस तरह चलते रहा. लेकिन माइक्रो पीओटी को मैंने 100% नहीं तो कम से कम 75% दिया टाइम, उसके साथ सब कुछ करते हुए सर, क्योंकि मेरा टाइम तो सेट है कि 6 से 9 बजे तक घर के सारे काम जितने छोटे छोटे हों मैं कर लेती हूँ. 10 से 1 मेरा अपना समय है. 1 से 4 बजे तक मुझे इस घर के लोगों को खाना खिलाना, दाई को हैंडल करना, बच्चे को खिलाना, वो इस काम में आता है. फोन पे बात करना, ये 1 से 4 बजे तक में आता है. अब 4 से 6 बजे वो मेरा टाइम है, उसमें ना तो मैं फोन यूज करती हूँ, 10 से 1 में भी फोन यूज नहीं करती हूँ और 4 से 6 में भी फोन यूज नहीं करती हूँ. लेकिन ये जो 4 से 6 है तो थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, सो जाती हूँ कभी, या गाना उना, या अपने आप छत पर घूमती हूँ टहलती हूँ. अब 6 से 9 बजे का जो समय है उसमें शाम का चाय से लेके नाश्ता से लेके खाना का सब तैयारी करना और 9 से 11 बच्चे को देना, ये मेरा टाइम सेट है और उसी हिसाब से चल रही हूँ. तो मुझे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 5 घंटे मेरे है. ओके. तो बाकी के पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे हैं कैसे आपके ही. थैंक यू वेरी मच मोना जी. बाकी पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं कि आपके ही एक बैचमेट है जो कितने अच्छे तरीके से अपने लिए टाइम निकाल के, बहुत मुश्किल है उनके, बहुत सारे क्लास वो नहीं कर पाए,
लेकिन फिर भी कैसे प्लान, जो जो हमने बोला है स्लाइड में दिखा है वो अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू हर इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी शी हैज प्रायोरिटाइज करके अलग से टाइम निकाल के वो अपने टाइम मैनेजमेंट कर रहा है। थैंक यू। कोई और? और कोई है? नूतन कुमारी, आकांक्षा कुमारी, अर्चना कुमारी, कुमारी मीनाक्षी, महेश कुमार, मनीषा कुमारी, मोनिका सिंह, इनमें से कोई भी? मोनिका सिंह। हेलो सर। हाँ मोनिका, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। आवाज आ रही? हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही। हाँ जी सर, जैसे कि मैं एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम लगता है वो है मेरा पढ़ाई करना, और उसके लिए मुझे अप्रॉक्स जब एग्जाम नजदीक रहते हैं तो 7 to 8 hours देना मस्ट रहता है। और लेकिन उसके साथ साथ मैं पढ़ाने का भी काम करती हूँ और कुछ घर के भी काम होते हैं। तो हेलो। हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। हाँ हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ हाँ आ रही है, आप बोलिए। हाँ तो सर, मैं फिर भी मैं मानती हूँ कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरे पढ़ाई के प्रति ही ज्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण मैं क्या करती हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके और जितने भी मेरे काम है, जैसे टीचिंग का वर्क जो है वो तो मेरा फिक्स टाइम में होता है, जैसे मोस्टली मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ तो इवनिंग आवर में, कभी मॉर्निंग में पढ़ाती हूँ, तो उस हिसाब से सेट करके रखना पड़ता है। और चूंकि मुझे 7 to 8 hours मस्ट में वो पढ़ने के लिए चाहिए होता है, तो इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिफ्रेश रखूँ, अपने आप को बोर ना होने दूँ, ताकि मतलब मुझे बर्डन टाइप से ना लगे और मेरा माइंड जो है वो फ्रेश रहे और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक मैं पढ़ाई कर सकूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, कंटिन्यू सर। इसके मतलब है कि आप अपने लिए सफिशिएंट ब्रेक्स भी रखते हैं, जाके आपका माइंड फ्रेश रहे। एक तो है आप अपने इम्पोर्टेंट जो काम है उसके लिए आप अलग से टाइम तय कर चुके हैं, और उसमें भी ब्रेक टाइम, बफर टाइम आपने रखे हैं, सो दैट एवरी टाइम यू टेक अ ब्रेक यू कम बैक फुली रिफ्रेश्ड, राइट? दैट्स वेरी गुड। मनीषा, अपने साउंड को म्यूट कर लीजिए। मनीषा, गुड मॉर्निंग सर। सुनाइए। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। मेरा टाइम मैनेजमेंट है कि हम अर्ली सो के नहीं उठ पाते हैं, वो हम ट्राई करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग उठना, और पढ़ाई के लिए मेरे पास हर दो दो घंटा टाइम मिलता है, तुम पढ़ के बीच बीच में ऐसा चीज है जो, बट इस वर्कशॉप के बाद हम ट्राई करेंगे अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करें, कि हम, मेरे पास काफी टाइम होता है बट हम उस टाइम को यूज नहीं कर पाते हैं। शायद मेरा लेजी है कि हम सोचते चलो ठीक है मेरे पास बहुत टाइम होता है, फिर भी हम इधर से उधर टाइम निकाल देते हैं, बट इस वर्कशॉप के बाद हम ट्राई करेंगे हम अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें। थैंक यू सर। जैसे आपने पिछले दिन बताए थे कि प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए, ठीक है, अर्जेंट जो है बच्चों का देखभाल तो करना पड़ेगा, लेकिन परिवार के साथ वक्त गुजारना इतना इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई अभी के लिए, एग्जाम्स के बाद वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, परिवार के साथ, क्योंकि तब एग्जाम्स, तब पढ़ाई उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, हो जाएगा फिर अगले बार जब आप कोई और नेट एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे तब फिर से पढ़ाई इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, एक्चुअली क्या होता है एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है, तो हम बोलते नहीं एग्जाम होने वाले तब पढ़ेंगे, ऐसे मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम नहीं करना होता है, इवन बेबी का भी ख्याल वही लोग रख लेते हैं, तो ये इतना लेजी है जिसको हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बट हम वर्कशॉप के बाद हम ट्राई करेंगे अपने लिए, ट्राई के लिए अच्छी तैयारी करनी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, थैंक यू। झा सर, हेलो। हेलो झा सर। जी श्रेया रश्मि, श्रेया रश्मि।
हेलो, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मैंने पहले भी डिसाइड कर रखा था, जब से कॉलेज जा रही थी तब भी, और तब से लॉकडाउन हुआ तब से, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठा, खुद को 2-3 घंटे सुबह सुबह टाइम देने के बाद मैं थोड़ा सा मम्मी का भी हेल्प कर पाऊँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर खुद का काम करके, फिर मैं पूरे दिन दिन को 2 भाग में डिवाइड कर रखी थी। एक टाइम मैंने सीटेट एग्जाम के लिए डिवाइड कर रखा कि मैं एक मॉर्निंग में सीटेट पढ़ूं तो मैं दोपहर में कॉलेज का पढ़ पाऊं। और उसके साथ साथ अभी आपने सर मुझे इतना मोटिवेट कर दिया है कि मैं सोच रही हूँ कि सर कि ठीक है, मैं अब और भी ज्यादा खुद को टाइम दे पाऊँ, कोशिश करूँ कि मैं रात में भी थोड़े लेट तक पढ़ पाऊँ और फोन को मैं कम से कम टाइम दूँ। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। टाइम मोटिवेशन के बारे में हम यही बोलना चाहते हैं, पहले तो मेरे पास बहुत टाइम रहती थी लेकिन हम उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते थे। अब मेरे पास टाइम बहुत कम रहती है, मात्र 2 घंटे मेरी बेबी सो जाती है दोपहर में 10:30 से 12:30, तो मैं उस समय पढ़ लेती हूँ और पढ़ने की बहुत इच्छा करती है। अब पहले तो नहीं करती थी लेकिन एक, और मैं टाइम को बैलेंस करना चाहती हूँ जिससे मैं 2 काम कर सकती हूँ बैलेंस करके, उस समय वो काम को छोड़ के। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहे। ओके, तो मैं पढ़ाई के लिए किस टाइम को चुनूं वो मेरे लिए सर बताए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हो गया आपका? और कुछ नहीं सर। ओके, महेश कुमार, मधु कुमारी, नेहा कुमारी 73, नेहा कुमारी 39 सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मैं बोलना चाह रही हूँ सर, जिस दिन मैं सवेरे उठती हूँ 5 बजे, उस दिन मेरा तो घर का काम सवेरे हो जाता है, 10 बजे तक हार्डली उठ हो जाता है, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाती हूँ सर 10 से 12 या फिर 12:30 तक। उसके बाद घर फिर खाना बनाना होता है, खाना बनाने के बाद फिर बच्चों को खिलाना, उसके बाद सर फिर 5 से 7 में अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, कभी निकालती हूँ कभी असकत में छूट जाता है सर। तो उसके बाद फिर खाना बनाना, उसके बाद फिर लेट नाइट हो जाता है, तो कभी लेट नाइट सोई तो लेट सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती, उस वजह से सर कभी कभी टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो ये तो सर मेरी अपनी कमजोरी है, मैं नहीं निकाल पाती, कोशिश करना चाहूंगी आपके बताए हुए सारे शेड्यूल के साथ मैं इसको करूँ, फॉलो करूँ, तो मेरा टाइम सही से मैनेज हो जाएगा और मैं अपने लिए टाइम अच्छे से निकाल पाऊंगी स्टडी के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जो जो मैंने बोला है आपको ध्यान में रख के आप आगे बढ़िए, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू। अगला पार्टिसिपेंट। जी जी जी, अंजू कुमारी। मॉर्निंग सर। कौन बोल रहे हैं बताइए? मैं मालती बोल रही हूँ। हाँ मालती, मालती बोले, कंटिन्यू करिए। हाँ मालती बोले, मालती बोलिए आप, मालती अपना माइक आप अनम्यूट करिए पहले। हाँ हाँ बोलिए, आप सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। मैं भी टाइम टेबल पहले से तय कर रखी हूँ लेकिन मेरे टाइम के साथ यही जो हम पिछले दिन कल बताए थे कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मुझे नींद आने लगती है, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगी बैठने के पहले 1 घंटा रेस्ट कर लूं, उसके बाद पढ़ने बैठूं।
जैसे मैंने पिछले दिन आपको बोल रहा था, थोड़ा बफर टाइम रखिए, ब्रेक टाइम लीजिए, रेस्ट लीजिए, फिर रिफ्रेश होके पढ़ने बैठ जाइए। जैसे मेरा टाइम था कि सुबह 5 बजे उठते थे और 5 से 10 का काम करते थे, और 10 से 1 जब पढ़ने बैठते थे तो 10 से 11 ठीक ही पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बाद मुझे नींद आने लगती थी तो मैं सो जाते थे, तो उसके बाद उठने के बाद फिर मैं नहीं पढ़ पाते, फिर मैं घर का काम में लग जाती थी 1 से 3। मेरा घर का काम, बच्चे लोग को खिलाना, बर्तन धोना, ये सब काम रहता था। 3 से 5 मुझे मेरा पढ़ने का टाइम है, तो वो 2 घंटे में हम 1 ही घंटे पढ़ पाते हैं, और फिर 1 घंटे में मुझे नींद आने लगती थी। 1 घंटा ही मतलब बिल्कुल हम पढ़ पाते थे और 1 घंटा सो जाते थे। अब कोशिश करेंगे कि 10 मिनट हम रेस्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद में पढ़ने बैठूंगी तो हम अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये खाना बनाने का टाइम 6 से 8, तो 6 से 8 में खाना बनाती हूँ, और फिर वो फिर 8 के बाद 8 से 10 पढ़ती हूँ 2 घंटे। और सुबह मैं कोशिश करूंगी कि जो 5 बजे उठती हूँ 4 से 5 घंटे पढ़, इसमें मैं अगर पढ़ने में तो मेरा गोल प्राप्त हो सकता है। थैंक यू। बहुत अच्छा, आप कोशिश कीजिए, जरूर आप कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश करूं कि ज्यादा टाइम में पढ़ाई में दो, अन्य काम में भी काम दो। हाँ, यही है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा। हाँ, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा। हाँ, थैंक यू। रीता कुमारी, 37 रोल नंबर। रीता, रीता आप अपना रिस्पॉन्स दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए रीता। सर, टाइम मैनेजमेंट, टाइम तो हम अपना पहले से मैनेज करके रखे हुए हैं सर, कि जैसे जो हल्का काम है उसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ 2 काम साथ में। जैसे घर क्लीन करना है तो घर क्लीन करते करते हेडफोन लगा के अपनी मम्मी से बात कर लिए, फिर ये सब। लेकिन जो मेरे लिए इसमें ये है, जो अभी सर एक बताए कि कोई अर्जेंट काम होता है वो तुरंत आपको करना होता है, ऐसा ही एक बार सर मेरे साथ हुआ कि एग्जाम, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम था। 15 डेज पहले तुम स्टार्टिंग से उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, एग्जाम के 15-20 दिन पहले से पढ़ते हैं, और जस्ट 15 डेज पहले क्या हुआ, मेरी मम्मी को कैंसर पता चला कि मेरी मदर को कैंसर है और उसका ऑपरेशन होने वाला है। तो क्या पहले से हम पढ़ाई किए नहीं थे, और सडनली मुझे अपनी मम्मी के पास बॉम्बे जाना पड़ा हॉस्पिटल। और सर क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल में थी 15 दिन से, मैं बुक नहीं छुई हॉस्पिटल, एक कैंसर हॉस्पिटल में मैं 15 दिन मम्मी के साथ रही, और जस्ट वहां से आ करके कल एग्जाम था सेकंड सेमेस्टर का, आज मैं आई और कल से जाके एग्जाम दिए। तो उस समय मैं ये समझ गई थी सर कि मुझे पहले से पढ़ना चाहिए था, अगर हम पहले से पढ़ते तो कितना भी वो अर्जेंट काम तुरंत मेरे सामने आया फिर भी मेरा अच्छा नंबर आ सकता था। लेकिन एग्जाम दिए, अच्छा 67% सेकंड सेमेस्टर में आया था, पढ़ी में नहीं थे फिर भी। लेकिन क्या उससे ये सबक सीखे थे कि अगर हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा 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 पढ़ते रहते टाइम ये करके तो ठीक था। तो ये अभी आप बताए कि नहीं, थोड़ा टाइम आपको रखना चाहिए कि कोई वैसा अर्जेंट काम आ जाए जिसके लिए, तो वो इससे मुझे समझ में आया था कि नहीं पहले से ही थोड़ा टाइम आपको रखना ही है कि नहीं एंड टाइम पे ये काम नहीं करना है, समय कम होता है और प्रेशर ज्यादा बन जाता है, वो मेरे साथ हुआ सर। अब फिलहाल तो अभी का वो टाइम है ही कि हम सुबह अपना उठते हैं, अपना घर का काम करते करते छोटा छोटा काम है वो के साथ में कर लिए, जैसे बच्चे का कुछ हेल्प करना, मम्मी लोग से बात उत कर लेना, फिर सुबह का मैं 2 घंटा निकाल लेती हूँ। लेकिन वही प्रॉब्लम है, अगर मैं पढ़ने बैठ गई तो पढ़ लेती हूँ, और नहीं बैठी तो बस। लेकिन अब ये सब चीज सर ध्यान देंगे। थैंक यू सर। तो ध्यान दीजिए, ये बात है कि जैसे आपने बोला ना अर्जेंट के लिए रखना पड़ेगा, मान लीजिए ये सब सभी के लिए हम बोल रहे हैं कि हम पैसा सेव करते हैं ना, इंश्योरेंस पे रखते हैं, सेविंग्स करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर इमरजेंसीज। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा हम खर्च कर देते हैं सिनेमा देखने, मौज मस्ती करने, या फिर घूमने बैठने और खाना खाना, या फिर आनंद उठाने के लिए। हम पैसा रखते हैं फॉर इमरजेंसी, हॉस्पिटल के लिए रखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई आफत आ जाए,
उसी हिसाब से टाइम इज मनी, जैसे हम मनी को सेव करते हैं टाइम को भी सेव करके रखना पड़ेगा, ये कुछ टाइम रखना पड़ेगा फॉर इमरजेंसीज। ओके, यही बात है। ओके, थैंक यू। कोई और? पूजा वर्मा, पूजा वर्मा, पूजा आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले। यस पूजा, आप अपना माइक अनम्यूट करें। पूजा वर्मा, हेलो। हाँ पूजा, बताइए। यस सर, सर मेरा तो सुबह का स्टार्टिंग होता है एक्सरसाइज और योगा से, जो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 6 to 7 a.m. से स्टार्ट, वो एक घंटे तो योगा का चला जाता है, और फिर छोटे छोटे काम होते हैं सुबह में, क्लीनिंग वगैरह ये सारे, और फिर दोपहर ये ब्रेकफास्ट वगैरह होते हैं, फिर दोपहर के टाइम में बच्चे को स्टडी करवाना होता है, तो एक घंटे ब्रेकफास्ट के बाद उसको उसके साथ एक घंटे बैठना होता है स्टडी के लिए, और उसके बाद फिर जो जैसा सबने कहा है कि घर का जो काम होता है दोपहर का, खाना बनाना है, और उसके बाद फिर खाना खिलाना होता है, वो सारे काम हो जाते हैं, फिर इवनिंग में एक घंटा मुझे चाहिए वॉकिंग के लिए, ताकि मुझे एक ब्रेक मिले, और फिर मैं शाम को मैं फ्रेश से फिर मैं दोबारा ही काम कर सकूं। तो वॉकिंग करने के बाद सुबह का मेरा सारा थकान मिट जाता है, उसके बाद फिर एक घंटे के बाद मैं वो खाना वाना बनाना होता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास बचते हैं 8 to 10 hours मेरे पास अपने बचते हैं, जो कि मुझे उस टाइम में कोई भी काम नहीं होता है, और मैं उस टाइम में अपना स्टडी कर सकती हूँ, या मैं बच्चे के साथ बैठ के उसको भी स्टडी करवा सकती हूँ। तो ये 3 hours जो मेरे पास होते हैं वो पूरे दिन के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होते हैं मेरे लिए, और जो मैं हमेशा से ये इस टाइम को मतलब पूरे दिन मैं कितने भी बिजी रहूं, लेकिन शाम को 7 o'clock के बाद मुझे ये टाइम मेरा अपना होता है, और मैं किसी भी तरह से इस टाइम को निकाल लेती हूँ, और इस टाइम में मैं थोड़ा थोड़ा ही थोड़ा थोड़ा करके इस टाइम में थोड़ा बहुत भी जो भी पढ़ना रहा, स्टडी से रिलेटेड हुआ या कोई भी अदर बुक्स भी हुआ, तो इस टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा थोड़ा बहुत भी उससे जुड़ी रहूँ, ताकि मेरा हैबिट बना रहे कि मैं हमेशा पढ़ने का मेरा हैबिट बना रहे, और बच्चों को भी साथ में पढ़ाती हूँ कि वो भी देखे कि मम्मा पढ़ाई कर रही है, तो मुझे भी इस माहौल मतलब मेरा जो माहौल बनेगा कि मुझे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे भी वो देख करके उस माहौल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो खेलने के बजाय उस टाइम में स्टडी या टीवी देखने के बजाय वो स्टडी में इंटरेस्ट उनका भी बढ़ेगा। तो सर इस तरह से मेरा मैनेजमेंट पूरे दिन का होता है। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे तरीके से आपका टाइम मैनेज करते हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स देखे कि पूजा जो ने बोला कि 7 के बाद वो किसी न किसी तरीके से अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं, दैट मीन्स दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, और उस 7 के बाद वो जो काम करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, सो डिपेंडिंग ऑन दैट शी टेक्स आउट टाइम फॉर हर सेल्फ। सो एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट उतना टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ताकि आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली मैनेजिंग योर ओन वर्क, कि कौन से काम कौन से टाइम पे करे, और कौन से काम को प्रायोरिटाइज करके कितना इंपॉर्टेंस दे, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका टाइम एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी और कोई पार्टिसिपेंट? स्मिता कुमारी, रोल नंबर 11, स्मिता। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। पूजा अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए, पूजा वर्मा। स्मिता आप बोलें, कंटिन्यू करिए स्मिता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। हां भेजा सर, अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहती हूं, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं हो पाता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन आपके पीछे कुछ आवाज आ रही थी, कोई आसपास में है शायद, उनको बोल दे चुप रहने के लिए थोड़ा। नहीं, मेरे घर में से आवाज। ओके, आप बोलें बोलें। हाँ, तो फिर अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहती हूँ, लेकिन फिर नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन फिर 10 बजे के बाद सब काम करके
दो घंटे अभी सीटेट का तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए अभी तो पोस्टपोन हो गया, तो दो घंटे सीटेट का तैयारी करती थी और फिर आगे मेरा मेन गोल है सर केवीएस का निकालना, तो उसके लिए जनरल कंपटीशन का ही क्वेश्चन आता है, एक पार्ट रहता है साइकोलॉजी से, तो फिर मैं जनरल कंपटीशन के लिए फिर दो घंटे मैथ जीके पढ़ती हूँ और फिर शाम में तो नहीं पढ़ाई करती, फिर नाइट में एक दो घंटा मेरा मेन गोल है सर केवीएस में करना। और कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली डिस्टर्बेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग दो ही आदमी रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पूरा मिल रहा पढ़ाई के लिए, तो आप अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। यस, ये मेहनत मेरे पे डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा पढ़ सके, ये नहीं कि हमको डिस्टर्ब रहे तो हम इतना ये नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं है सर कि हम ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ओके। और कोई है? चार दिन के बाद वो भी वह है। और कोई? गुड्डी कुमारी 93 रोल नंबर, गुड्डी कुमारी, गुड्डी आप बोलिए, गुड्डी कुमारी, ओके। तबस्सुम, तबस्सुम आप बोले, तबस्सुम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर कि हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, सोने और उठने का मेरा सही समय नहीं है। हेलो, हाँ सुनाई दे रहे हैं। उसको मैं सही करूंगी सर, मतलब टाइम से सोना और टाइम से जगना, तभी मतलब जैसे हर किसी के लिए 24 आ रही है, तो कोई ज्यादा यूज कर पाता है अपने समय को, कोई कम, तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करने का कोशिश करूंगी, टाइम से सोऊंगी और टाइम से जगने का कोशिश करूंगी, तभी अपने हम सारे काम को मैनेज कर सकती हूँ। और अच्छा, अपने काम को मतलब बोरिंग काम को भी, कुछ जो कोई काम बोरिंग लगता है उसको भी इंटरेस्टिंग बना के, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन वो बोरिंग लगता है, तो उसको भी इंटरेस्टिंग, किस तरह से हम इंटरेस्टिंग बना के उसको हम कर सकते हैं, वो मैं कोशिश करूंगी सर। अब आपके मतलब इस वर्कशॉप के बाद बहुत प्रेरणा मिली है मुझे इससे। अच्छा। और मैं इम्पोर्टेंट काम को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी, वैसे भी मैं इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटी देती हूँ ज्यादा। और काम को आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है, इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस मैं कोशिश करूंगी सर, और इस तरह मैं अपने काम को सही तरीके से कर सकूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हां सुमित सर, कुछ और स्टूडेंट्स को लेना है या फिर कुछ आगे कंटिन्यू? आप हां सर, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, जो पार्टिसिपेंट्स पहले दिन प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम बोला था, आप क्या उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसको कैसा लगा प्रोक्रेस्टिनेशन? मुझे याद है महेश या फिर कोई और बोले थे मेल पार्टिसिपेंट्स कि उनको प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, आप क्या अनाउंस? सोमेश रंजन, सोमेश, हाँ सोमेश, सोमेश आप सोमेश सुन रहे हैं आप? हाँ सोमेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। यस सर, सर वी कैन मैनेज आवर डेली रूटीन, लाइक वी व्हेन वी राइज अप वी कैन डिसाइड आवर टारगेट ऑन डेली बेसिस, आज के दिन में हम कितना करेंगे, देन वी शुड लाइक यू हैव सेड अबाउट दैट वी शुड डिवाइड आवर डेली Target in chunk. Are you listening? Hi, yes, I'm listening. You are audible. Please carry on. Okay. Yes, sir. So what we can do that we should divide our sitting time. That is our study time in chunks of 2.5 hours. We can do that, and in between them we can take break of 1/2 to 1 hour. So, very good. Mm-hmm. So in this way we can. Yes, sir. आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो प्रॉब्लम था, कि आपको समझ में आया कि yes, आज के कल के लिए काम ना छोड़े, ठीक yes, है, आज का काम आज ही कर डाले, ठीक yes, है, और कितने जितने आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, जितना आप कल के लिए या परसों के लिए रखेंगे, उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि yes, वक्त कम होता जाएगा, ये जो आज निकल जा रहा है ना, ये फिर से दोबारा लौट के नहीं आएगा, yes, कल जो निकल गए वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, You cannot replace it. तो ये निकल जाएगा तो निकल जाएगा, आपके जीवन से एक दिन निकल गया, ठीक है, वक्त कम हो गया, तो कल के लिए ना छोड़े, ओके ओके फाइन।
थैंक यू सर। और कोई है और कोई बोलना चाहते हैं? राखी प्रसाद मैं देख रहा हूँ, राखी। हाँ राखी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए राखी। गुड आफ्टरनून सर। सर थोड़ी मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये वर्कशॉप से बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि एटलीस्ट मैं ये वर्कशॉप के द्वारा ही, ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने अलग से मैं बैठी उनके साथ कि नहीं आपके साथ मुझे कब पढ़ना है, आप बेबी के साथ कब रहेंगे और मैं कब रहूंगी सर, क्योंकि थोड़ा मेरे साथ थोड़ा अलग सा प्रॉब्लम है सर, क्योंकि हर दो दिन के बाद मेरे हस्बैंड की शिफ्ट से ड्यूटी चेंज हो जाती है, उनका टाइमिंग चेंज हो जाता है। सॉरी सर। तो सर वो केटीपीएस में है, तो सर इंजीनियर है, तो उनका टाइमिंग एक्चुअली उनका चेंज होने के वजह से मेरा सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है हर दो दिन के बाद, कभी सुबह जाते हैं, कभी दोपहर में, कभी नाइट में जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सर उस सिचुएशन में या तो मैंने कल मैं उनके साथ बैठकर एक्चुअली में मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि आप कब तक रहेंगे और कितने बजे आप बच्चे के साथ रहेंगे और कब तक मैं रहूंगी और कब क्या करना है, कितने बजे मैं पढ़ूंगी और वो टाइम सिर्फ मुझे चाहिए वो टाइम दो, क्योंकि अभी जो सर पेंडेमिक के वजह से मेरे इन-लॉज मेरे साथ अभी नहीं रह पा रहे हैं, वो लोग घर गए हैं, वहीं पे रह गए, फंस गए हैं, तो अभी इन-लॉज मेरे साथ नहीं है अभी, तो जिसकी वजह से मुझे बच्चे, मेरे 2.5 साल की बेटी है सर, तो उसे साथ में लेके रखना, उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना, वो तो बोर हो जाती है। अभी क्लास के दौरान वो कितनी बार मेरे पास आई कि कब तुम वहां जाओगी, कब आओगी, तो ये सब मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है सर। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड अभी बहुत सपोर्टिव है, लकीली मेरा ऐसे दिन में क्लास पड़ा है कि जिसमें उनका मॉर्निंग शिफ्ट नहीं है और वो 2 बजे से जाते हैं, और या अभी नाइट, आज ही नाइट है उनका ड्यूटी, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ी लकीली बच गई कि मैं ये क्लास अटेंड करनी, तो मेरी बेटी 2.5 साल की वो हर वक्त आ रही है कि चलो 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 मेरे साथ खेलो, ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत हो रही है अभी आजकल। लेकिन कल मैंने उनके साथ डिस्कस किया सर, और थैंक यू सो मच सर ये वर्कशॉप के द्वारा। कल एक्चुअली मैं 4 बजे से मोबाइल लेकर बैठी थी, और सच में सर मैंने अपने आप को हिट क्या कर रही हूँ, मुझे अभी पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी अभी सो रही है, और मैं उसी समय मैंने बुक निकाला सर, और सौरभ सर ने एक टॉपिक दिया था काउंसलिंग, मैं वो कल मैंने काउंसलिंग पढ़ा, मीनिंग डेफिनेशन वो जो सर ने दिया था सर। तो थैंक यू सो मच सर कि आपका ये वर्कशॉप मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, मैं बाकी का नहीं जानती लेकिन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी के पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे हैं कि कैसे आपके एक बैचमेट अपना घर का काम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दूसरों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वो बैठ के डिस्कशन किया। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कैसे बात करना है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे हम आएंगे धीरे धीरे, हम सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो कैसे डिस्कस करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम, ताकि उनको खुद के लिए अपना जो इम्पोर्टेंट जो काम है पढ़ाई, उसके लिए टाइम वो निकाल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई और है? कुमारी मीनाक्षी, कुमारी मीनाक्षी आप अपना साउंड अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। कुमारी मीनाक्षी आप अपना साउंड अनम्यूट करिए। कुमारी मीनाक्षी सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने आपका 2 क्लास मिस कर दिया शुरू में, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने फर्स्ट डे आपका क्लास किया, लास्ट में मैंने 12 o'clock में ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि नहीं ये क्लास करना चाहता, क्योंकि आप जिस तरह से सर बता रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, तो लग रहा है कि नहीं सर इस तरह अगर हम करेंगे, इस तरह हम टाइम को सेट करेंगे तो शायद हम सारा कुछ कर लेंगे। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गया था सर कि अभी जैसे मेरा क्लास है 10 o'clock से 1 o'clock तक, तो उस टाइम मेरा बेटा का ऑनलाइन क्लास चलता है सर, तो मुझे उसके साथ भी बैठना पड़ता है, और मैं अगर नहीं रहती हूँ सर तो वो कुछ लिख भी नहीं पाता है, कुछ समझ भी नहीं पाता है, तो इसके कारण उसको प्रॉब्लम हो जाता है सर। तो कल मैंने किसी से बात किया तो मुझे लगा कि नहीं मुझे ये वर्कशॉप कोई हाल में भी करना है, तो मेरा 2 डे तो सर मिस हो गया कल और परसों, तो मैंने कहा कि नहीं आज मुझे ये क्लास कोई हाल में करना है, तो मैंने बेटा को किसी के पास बैठाया
और मैंने सोचा नहीं मुझे 2 घंटा के अंदर कोई टाइम में मुझे उठना नहीं है, लेकिन मेरी बेटी मुझे परेशान करते गई सर, और मुझे 2 बार इस टाइम उठना ही पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जैसे कि मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूं, जैसे सर लगता है कि नहीं मैं अगर अगर उन लोग पे ध्यान नहीं दूंगी सर तो उन लोग का पढ़ाई छूट जाएगा, और अभी लॉकडाउन के चलते सर स्कूल भी बंद है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जैसे बच्चे स्कूल जाते थे तो 6-7 आवर्स रहते थे तो वो लिख के ले आते थे, कुछ उनको समझ आ जाता था, और अभी सारा प्रेशर सर घर में पेरेंट्स पे पड़ गया है, तो उस चीज को भी कराना जरूरी है सर, तो कैसे मैनेज होगा? बहुत अच्छा, ये जो प्रश्न आपने पूछे बहुत अच्छा कि आपको जैसे हमने बोला कि प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जैसे आपने बोला कि 2 घंटे आप बैठे हैं लेकिन बच्चा अचानक आ गया तो वो एक इमरजेंसी हो गया आपके लिए, ठीक है, वो एक इमरजेंसी हो गया, तो वो इमरजेंसी फिलहाल के लिए आप तो करना पड़ेगा, आपको बच्चा है इसलिए, लेकिन अगर हो सके ये 2 घंटे के लिए आप अगर अपने फैमिली मेंबर्स को बोले कि अपने बच्चे को संभाले, 2 घंटे के बाद आप पूरा संभाल लेंगे। और जैसे शायद राखी ने बोला कि अपने फैमिली के साथ वो बैठ के डिस्कस किया कि कौन सा काम कौन कौन लोग करेंगे, ये थोड़ा अब अगर डिस्ट्रीब्यूट कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ताकि आपके पढ़ाई के लिए भी आपको वक्त मिले, क्योंकि ये आपको फैमिली को समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना घर का काम। घर का काम को हम छोटा नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ाई भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब ये आपके डिस्कशन के ऊपर, ये निगोशिएट करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आप मैक्सिमम प्रोडक्टिव रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो देखिए घर का काम थोड़ा मैकेनिकल काम होता है, तो वो डेली डेली तरीका का काम होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन का जरूरत होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये चीज सब आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, उनको समझाइए, और फिर उससे टाइम निकाल के अपने लिए टाइम को रिजर्व करके रखिए, ताकि उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ओके, ताकि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के लेकर, फुल फोकस लेकर आप अपना पढ़ाई दूसरा काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कोई और है? इस बीच कोई है तो नहीं सर, लेकिन एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, ये इसी पे ऊपर हम, आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन जो आ रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, इसके मतलब है आप बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एक टॉपिक से लेके दूसरा टॉपिक आ जाता है एक एक करके, ये देखिए सब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि टाइम मैनेज करने के लिए दूसरों का सहारा जरूरत है, दूसरों के साथ कैसे बात करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन से पहले जो टॉपिक आता है, जो आपने पिछले दिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बोले हैं कि अपना इमोशन हम कैसे कंट्रोल करें, अपना एंगर जो है, हमको गुस्सा आ जाता है, हमको टेंशन होता है, ये हम कैसे कंट्रोल करें, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है आज, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत सारा वक्त ले लिया, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये आपके आपके प्रॉब्लम्स आपके क्वेश्चंस की ऊपर ही बेस करके हम वर्कशॉप डिजाइन कर रहे हैं, ना कि हम अपने तरीके से कुछ बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इमोशंस कैसे कंट्रोल करें उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा शुरू करेंगे। आप देखिए नीरज सर, आप वो PPT 3 थोड़ा स्टार्ट कीजिए। हाँ, तो पहले आप पार्टिसिपेंट्स सब अपना कागज कलम उठाइए और लिखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस, आपको क्या लगता है इमोशंस क्या है?
इमोशंस 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 फीलिंग्स आपने तो थोड़ा पढ़ाई होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी में, इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये हो जाने के बाद लिखिए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये फीलिंग्स इमोशंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। दो क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट आर इमोशंस फीलिंग्स व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। जी जो पार्टिसिपेंट्स लिख लिए हैं काइंडली वो हाथ रेज कर सकते हैं। जिन्होंने लिख लिया है वो अपना हाथ रेज करें। सर इमोशंस की शुरुआत वहां से होती है सर, जब हम कोई काम में या फिर जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें असफलता मिलती है सर, और उस स्थिति में हमारा जो मन है वो पूरी तरह से आने के साथ शांत हो जाता है। मतलब मेरा मन जो चीज आने की करने के लिए इच्छुक होता है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो पाता है सर। अच्छा ठीक है ओके सर। कोई और बताएंगे? जी सर, इमोशन मतलब कोई कुछ बोल दिया और उसे बुरा लगता है, वो दिल में एक लगता है कि क्या ऐसे क्यों बोल दिया, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। अगर कोई डोमिनेट कर रहा है जैसे कि कोई बड़े ही ये हर एक बड़ा एक छोटे को डोमिनेट करता है, हम लोग भी करते हैं कभी कभी अपने बच्चे को, फिर सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया, ये प्यार से भी बोल सकते थे उसको, तो दिल में लगता है कि ये गलत हुआ। लेकिन अगर हम लोग इसको ना पॉजिटिव वे में लिए कि गलत हुआ है तो चलो कुछ ऐसा करके दिखाएं कि बोलना भी नहीं पड़े और आज सामने में दिख जाए। अच्छा मतलब करियर में कुछ ऐसा करें आगे बढ़े, जैसे कि सर मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं क्या करोगे क्या करोगे, कुछ कर सकते हो, और मैंने सीटेड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया बिना कोई कोचिंग का, तो उनमें कुछ जैसे ये हमारे इमोशंस है कि हमें बुरा लगता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि आपने जो बोला वो किसी के लिए कितना अच्छा हो सकता है या कितना खराब हो सकता है, आप डिमोटिवेट भी कर सकते किसी को। डिमोटिवेशन पे ही ऐसे जैसे मेरी फैमिली में ही है एक इंजीनियर लड़की है और उसको इतना डिमोटिवेट कर दिया गया कि वो अब साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए लोगों को। ये मतलब इस सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा हो रहा है और लोग खुल के नहीं आते हैं और अंदर अंदर दबते रहते हैं, खुलते नहीं हैं, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलता है और बच्चे फिर हमारे जो आज के नेशन बिल्डर हैं वही खराब होते जा रहे हैं। ओके तो ये इमोशन चीज है क्या, ये होता क्या है? एक फीलिंग है, चाहे बुरा लगेगा चाहे अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगता है कभी कभी। अच्छा जैसे कुछ अच्छा बोल दिए तो अच्छा लगेगा। और कोई बताएगा? अरे शरद, शरद कुमारी, हेलो शरद, शरद कुमारी, शरद अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, आई थिंक इमोशंस आर feelings which we derive from our mood, from certain circumstances or for the people around us, and I think they are important to for our survival, even to control our anger, to make decisions and
to they help to understand others' emotions. Very good, very Thank good. बहुत अच्छा बोल रहे. अर्चना कुमारी. अर्चना कुमारी. सर, गुड मॉर्निंग सर. इमोशन संवेग जो है ना, जो हम लोग टाइम जो भी किसी भी समय क्रोध मतलब कि गुस्सा आना, कभी खुश होना, कभी मतलब किसी से क्रोध हो जाना, घृणा करना, ये तरह तरह की चीजें जो हम लोग वो चीज आती है सामने जब इफेक्ट होता था, जो हमारे मन से जो भाव निकलते हैं उसको इमोशन कहते हैं. सपोज हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ तो हम बहुत खुश हुए, दैट इज इमोशन. वेरी नाइस. सो मन का भाव, ये मन का एक भाव होता है. ओके, वेरी नाइस. और कोई? आकांक्षा मिश्रा. आकांक्षा मिश्रा. यस सर. सर, इमोशन हम लोग कह सकते हैं इंटरनल रिएक्शन, जो किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन पर हमारा इंटरनल रिएक्शन होता है वो इमोशन कह सकते हैं. और दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिट अस, और समटाइम्स रिलेटेड टू आवर ओन डीड्स और वॉट एवर गोज अराउंड इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसे ही इमोशन कहेंगे. ये जो आप रिएक्शन बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ आकांक्षा जी, ये किसका रिएक्शन है, किस चीज का रिएक्शन होता है, कहीं तो एक्शन हुआ है. हाँ बिल्कुल, एक्शन का एक्शन पे ही रिएक्शन होगा. तो जो भी हमारे साथ कुछ अगर अच्छा बुरा या फिर हम कुछ देखते हैं तो उसमें भी हम इमोशनल हो जाते हैं. और इमोशनल जरूरी नहीं है कि हमेशा मींस उसको नेगेटिव वे में ही लिया जाए, हम खुश भी होते हैं तो वो भी तो इमोशन है. तो इंटरनल रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि जब हम बहुत ज्यादा मतलब कोई चीज जब हमें बहुत ज्यादा हिट करती है खुशी वाले वे में या फिर दुख वाले वे में, तो हम इमोशन वो फीलिंग एक जो अराइज होती है वही इमोशन है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू. कोई और? सलोनी, आपने हाथ रेज किया था. सलोनी. Yes, sir. Sir, in my point of view, emotions are the feelings which occur at different situations. इसमें सबसे ज्यादा situation मायने रखता है कि कैसे situation में आप हैं. अगर आप अच्छा situation में हैं तो आप खुश होते हैं, और अगर कोई anger या anxiety या फिर कभी कभी होता है frustration में होते हैं, तो वो ऐसा situation में आप जो बिहेवियर में भी कभी कभी बदलाव लाता है, और उसके साथ साथ खुश और दुखी होना दोनों एक तरह का इमोशन ही है सर. बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, और कोई? हाँ सर, हैं तो बहुत सारे सर. अच्छा मेरे हिसाब से कहना सर, हमारे आसपास कोई भी घटना घटित होते उसको देख के कोई रिएक्शन होता है, जैसे कि किसी से बात की तो बहुत खुशी हुआ, या फिर कोई डेथ कर गया तो रो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, एक्सीडेंट हो गया वो देख के कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तो वो सब हमारे इमोशंस है सर, जो उस घटना को देख के हमारे रिएक्शंस निकलते हैं सर. अच्छा, ओके, थैंक यू. जी पूनम कुमारी. पूनम, 44 रोल नंबर, बोलिए. हेलो सर. पूनम कुमारी, आप बोलिए. गुड आफ्टरनून सर. सर, मेरे अनुसार इमोशन सर जैसे किसी काम या घटना को देखकर जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है वो इमोशन है सर, जैसे गुस्सा, प्यार, घृणा, खुशी या किसी भाव है. और सर आपका ये क्वेश्चन है कि ये इमोशंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सर इमोशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि चूंकि हम इंसान है सर, तो ये हमारी मन स्थिति को बताता है कि किसी भी चीज को देखकर हम फर्स्ट टाइम में हम अपनी कैसी प्रतिक्रिया देते हैं उस चीज के प्रति.
तो ये इम्पोर्टेंट है सर कि इससे सामने वाले व्यक्ति के बारे में हम उसकी मन स्थिति को पहचान जाते हैं कि किसी चीज को देखकर या किसी चीज की प्रतिक्रिया उस पे कैसी हुई, उसे गुस्सा आया, उसको खुशी हुई, उसे किसी के प्रति प्रेम आया, दया का भाव आया, एक्सेट्रा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बताया, वेरी नाइस। कोई और बताएगा? आप लोग बहुत अच्छे। कल्याणी, कल्याणी ने हाथ रेज किया हुआ है। कल्याणी आपने, आप बता दीजिए। कल्याणी, कल्याणी कुमारी अनम्यूट कीजिए। कल्याणी कुमारी आप अपना माइक पहले अनम्यूट कर लीजिए, बताइए बताइए। कल्याणी हेलो, बताइए बताइए, आवाज आ रही है, बोलिए। सर अकॉर्डिंग टू मी इमोशंस आर दैट फेज और दैट स्टेट व्हेन वी फील समथिंग लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और समथिंग दिस आर द इमोशंस सर। और इमोशंस जो है वो सर वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमें किसी को अगर शो करना है कि हम क्या क्या फील कर रहे हैं, तो जब तक हमें इमोशंस नहीं होंगे, जब तक हम कुछ फील नहीं कर सकते, तब तक हम किसी को वो शो भी नहीं कर सकते कि हम क्या फील कर रहे हैं। इसलिए इमोशंस, और सर इमोशन इसलिए भी जरूरी है ताकि हम दूसरों के इमोशंस को समझ सकें और उनको भी हेल्प और उनको अच्छे से किसी भी तरह से अगर उनको कोई प्रॉब्लम वो है तो वो मुझसे हमसे शेयर कर सकते। इसलिए इमोशन मेरे हिसाब से इसलिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। और कोई और जवाब लें सर या फिर आगे बढ़ें? एक दो और हाथ हैं, एक दो। सोमेश? यस सर, बताइए। इमोशन इज एनी मेंटल एक्सपीरियंस। ओके, वेरी गुड। एंड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी द ह्यूमन और एनिमल किंगडम इज गाइडेड बाय दिस। लाइक व्हेन वी आर इन फियर we will not be able to concentrate on our studies or we will not be able to ask questions from our teacher. So all animals are guided by emotions and which differentiates us from those robots. Very good, very good. Thank बहुत you. अच्छा। हाँ। Okay sir, आगे बढ़ें। Okay, आगे बढ़ते। Hello sir. So thank you. हाँ हाँ बोलिए सर। इमोशन, इमोशन क्या होता है? भावना, खुशी, प्यार, क्रोध, जैसे गुस्सा आना। एक एग्जांपल है सर कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम प्रमोट हो गए, तो प्रमोट होने के बाद हमको बहुत गुस्सा आ गया, अपने आप लगता बहुत रोए जैसा, इसीलिए गुस्सा क्रोध आ गया, तो हमको लगा कि अब हम कैसे करेंगे। वही सेकेंड सेमेस्टर में 70% आ गया, इसीलिए सर हम अब खुशी हो गए, इसीलिए इमोशन के अब बहुत उपयोगी हम मानते हैं। बहुत अच्छा। सो पार्टिसिपेंट्स, बहुत अच्छे आपने फीडबैक दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक अबाउट व्हाट आर इमोशंस एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से आप बताए। तो आज का तो टाइम फिलहाल खत्म हो चुका है, तो वील कैरी ऑन दिस डिस्कशन टुमारो एंड वील सी, क्योंकि आज थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया। वी स्टार्टेड विद टाइम मैनेजमेंट, जो पिछले दिन का डिस्कशन से शुरू हुआ था, टाइम मैनेजमेंट क्या है, और फिर थोड़ा डिस्कस करके हम ये जगह पे पहुंचे कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और ये दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको पहले अपना मानसिक स्थिति ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल जस्ट एंड दिस टुडेज थिंग विद अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन। आप देख लीजिए इमोशंस क्या होता है, मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मैं 3 sentences आपको बोलूंगा, आई विल से 3 sentences टू यू। ओके, आप देख लीजिए। राम को
एग्जाम में 80% मिला है. ओके, सब क्लियर है? फर्स्ट सेंटेंस इज राम को एग्जाम में 80% मिला है. सेकंड सेंटेंस है राम को एग्जाम में 80% मिला है. ओके, थर्ड सेंटेंस जो है राम को एग्जाम में 80% मिला है. ठीक है, कोई फर्क नजर आए? ठीक है, कोई फर्क नजर आए? ये डेमोन्स्ट्रेशन आज हम इसलिए दिए कि इसी के ऊपर आप चर्चा कीजिए, क्या फर्क नजर आए. दिस विल डिस्कस टुमारो, विल स्टार्ट द डिस्कशन टुमारो. व्हाट वाज द सेंटेंस? एक ही था, कोई हमने वर्ड ऐड भी नहीं किया, कोई वर्ड हमने डिलीट भी नहीं किया. पूरा सेंटेंस एक ही था, लेकिन क्या आपको कोई फर्क नजर आए? अगर आए तो किस चीज के ऊपर फर्क नजर आए, ये आप हम कल सुनेंगे आपसे. ओके, एंड वील टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड. सो वील टेक अ क्विक राउंड ऑफ फीडबैक. झा सर, अगर आप चाहे या फिर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चंस, फीडबैक जो भी है आप ले लीजिए. ओके सर, आज का दिन का फीडबैक. हाँ यस सर. झा सर आवाज आ रहा मेरा? ओके, थैंक यू सर. वॉल्यूम को हेलो. हाँ सर आवाज आ रहा? आवाज आ रहा है बिल्कुल. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. जैसा कि आज हमारा वर्कशॉप का तीसरा दिन था, इस वर्कशॉप में हम लोग कई नई बातों को सीख रहे हैं और हमें बहुत सारे नॉलेजेबल चीजें जानने को मिल रही हैं और खुद को जानने का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई चीजें हमें मिल रही हैं. और आज जैसा कि तीसरा दिन वर्कशॉप का हमारा बहुत अच्छा रहा और सभी सेशंस में हमने नई नई बातों को जाना. सुमित दत्ता सर ने आज के जो सेशंस थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि अपने समय के मूल्य को पहचानिए कि समय कितना इम्पोर्टेंट है. हम लोग जहाँ पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो समय होता है. तो हमें समय का मैनेजमेंट करना बहुत और बहुत जरूरी है कि समय का हम सदुपयोग करें अपने. सर ने बताया आज के सेशन में कि यदि आप हेलो आ रहा हूँ, यदि हमें अपने समय का सदुपयोग टाइम मैनेजमेंट यदि करना है तो हमें एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी. दिनचर्या का निर्धारण करना जरूरी है. सर ने ये बताया किसी भी काम को हमें पेंडिंग नहीं रखना चाहिए. जैसा कि कहा जाता है काल करे सो आज करे, यानी किसी काम को कल के लिए नहीं टालना है. तो हम सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने समय का जरूर सदुपयोग करें. यदि हमें जीवन में अपने को सफल बनाना है, सफल होना है, लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें समय का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. सर ने आज इमोशंस के बारे में भी बताया सभी को कि क्या है इमोशंस, किस तरह से हम लोग इमोशंस में अपने को क्या क्या काम करते हैं. तो नेक्स्ट आपने मोटिवेशनल के बारे में भी जाना है सब कुछ कि एक मोटिवेशनल व्यक्ति किस तरह से अग्रसर हो पाता है. तो दत्ता सर का ये जितनी भी नॉलेजेबल बातें हैं हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हम सब लोग इनसे बहुत सारी चीजें अभी भी स्टूडेंट्स कल भी जुड़े और इसी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. यही कर रहे हैं सुमित दत्ता सर को फिर से धन्यवाद. फिर कल हम लोग जुड़ेंगे और सभी पार्टिसिपेंट समय से जुड़ जाएं ताकि हम लोग सभी लोग समय से सेशन स्टार्ट कर सके. थैंक यू सो मच. आप लोग घर पे रहें, संयमित रहें, सुरक्षित रहें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.
सिलेक्ट वाला